Hello students, this is Vivek Karade sir from Photonicodium Science. In this video lecture, I am solving class 12th CBSE Physics whole paper, sample paper number 7. तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इंडिकेट किया गया है. देखिए, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट आई, एक स्ट्रेट वायर से आई करंट फ्लो रहा है, इज टर्नड इनटू अ सर्कुलर लूप. देखिए हम करते भी जा रहे हैं इसको, आप देखते चलिएगा. एक स्ट्रेट वायर था, उससे आई करंट फ्लो हो रहा है, उसको टर्न किया गया एक सर्कुलर कॉइल में. ये सर्कुलर कॉइल में उसको टर्न कर दिया गया, लपेट दिया गया. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसका भी एम है और इसका भी एम है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, आपको वायर की लेंथ बताना है. ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आता है. तो सबसे पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए. आप जानते ही है कि जो M होता है, मैग्नेटिक मोमेंट M, वो होता है हमारा आई. ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते ही है. ओके, बट यहाँ पे सर्कुलर कॉइल की रेडियस आ रही है और सर्कुलर कॉइल में बदल गया, तो जो सर्कुलर कॉइल का एरिया होगा, बट यहाँ पे हेयर एरिया जो होगा वो आपका पाई आर स्क्वायर होगा. ओके, पाई आर स्क्वायर, तो एम रहेगा आई रहेगा, ए की जगह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. ओके, इसके लिए आप तैयार रहे. इसको अभी हम तुरंत में इक्वेशन नंबर 1 देते रहे. हमें लेंथ का फॉर्मूला निकालना है. ओके, अब लेंथ का फॉर्मूला हम निकालेंगे. देखिएगा, आप मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ. एल वायर खड़ा था इसलिए लेंथ थी, और जब वायर से सर्कुलर कॉइल बन गई तो इसकी लेंथ जो थी 2 पाई आर में बदल गई, सर्कमफ्रेंस में बदल गई. तो यहाँ पे आर निकाल लीजिए, आर इक्वल्स हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई, आर इक्वल्स हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में आर रखने वाले हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग एम आपका रहेगा, आई आपका रहेगा, पाई रहेगा, आर के आर स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर. तो एम इक्वल्स हो जाएगा आई पाई एल का भी स्क्वायर, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इसके लिए आप तैयार रहिए. एल स्क्वायर, हमें एल का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए एल स्क्वायर को आप अपनी जगह पे होल्ड करवा दीजिए. तो एल स्क्वायर अपने प्लेस पे होल्ड है, 4 पाई स्क्वायर एम के पास जाएगा. तो 4 पाई स्क्वायर आपका एम के पास गया, और आई पाई आपका नीचे आएगा, तो आई पाई आपका नीचे आ गया. ओके, इस चीज से आप लोग क्लियर रहे बिल्कुल. अब हमें क्या करना होगा, देखिए, इस एल का स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन में आई पाई. हालांकि मैं पाई से पाई काट सकता हूँ, अब मेरी इच्छा पर है, ऑप्शनल, मैं नहीं काट रहा हूँ यहाँ पे. और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 का 2 बाहर निकलेगा रूट से, पाई स्क्वायर से स्क्वायर काट के पाई बाहर निकलेगा, एम रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका आई पाई. ये आपका लेंथ का फॉर्मूला आ गया. ओके, ये देखिएगा, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होता है, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है. क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 2 है अ रेडियो वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक रेडियो वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है. ओके, तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हो गया आपका 90 मेगाहर्ट्ज, जो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 90 मेगा, मतलब 10 की पावर 6, और ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज. आपको क्लियर होना चाहिए. ईआर एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिक परमिटिबिलिटी दी गई है 10 की पावर 3, एंड मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी म्यू आर आपको दी गई है म्यू आर 10. देन फाइंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, आपको वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों बताना है. तो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सी के होल अपॉन में हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए. यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है ये क्वेश्चन, ये आपको पढ़ाया गया था उसमें. सी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है 2.97 होती है, पर इसको हम राउंड ऑफ करके 3 लिखेंगे, 3 × 10^8. ओके, अंडर रूट रहेगा, म्यू आर की जगह हम लेंगे 10 और एप्सिलॉन नॉट आर की जगह रखेंगे 10 की पावर 3. इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो V इक्वल्स टू यहाँ कर दे रहे हम, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 10^8 की होल अपॉन में देख लीजिए 10 की पावर 3 और 1 4, 4 को हम लिख देंगे 10 की पावर 2 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के V इक्वल्स टू 3 × 10^8 आपका है, नीचे 10 की पावर 2 आपका बाहर निकलेगा. अब 10 की पावर 2 ऊपर 10 की पावर 8 को कैंसिल करेगा, तो 10 की पावर 6 बचेगा. तो वेलोसिटी जो होगी आपकी, वो होगी 3 × 10^6 मीटर पर सेकंड, इसको भूलने की आवश्यकता नहीं है.
और रही बात आपके फ्रीक्वेंसी की, तो 11वीं क्लास में आपने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में पढ़े होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू होती है वो वी अपॉन लैम्डा होती है। तो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा वी, वी हो जाएगा 3 × 10⁶ अपॉन लैम्डा। पता करना है हमें, अभी थोड़ी देर में न्यू रख दे रहे हम। तो देखिए लैम्डा जाएगा आपका ऊपर, 3 × 10⁶ आपका रहेगा ये यहाँ पे पड़ा, इसके अपन में न्यू, और न्यू की वैल्यू आपको दिखी रही होगी ये 90 MHz। तो 90 × 10⁶ कितना, 6, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल हो गया, 3 1 जा और 3 3 जा 9, 3 30। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/30। तो 30 को 3 × 10 लिख दे रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/3 को अगर आप काटोगे तो 300, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 / 10। तो लैम्डा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0.03 मीटर। ये आपकी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों आके रेडी हो गई है। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ गई है और ये आपकी आ गई है वेवलेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्के बड़े नंबर के हैं पर यहाँ पे कम नंबर पूछा गया, तो हम इसे जवाब जरूर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाई एक्सरे आर नॉट यूज्ड इन रडार पर्पस। एक्सरे का यूज रडार में क्यों नहीं करते? तो आपको पता होना चाहिए एक्सरे तब प्रोड्यूस होती है जब हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है मेटलिक टारगेट पे। ठीक है, व्हेन हाईली एक्साइटेड, मैं इसका जवाब बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए इसका जवाब। इसका जवाब है व्हेन हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटलिक टारगेट, व्हेन हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटलिक टारगेट देन एक्सरे प्रोड्यूसेस, बट एक्सरे नॉट रिटर्न्स इन रिफ्लेक्टेड बाय एयर। एक्सरे नॉट रिफ्लेक्टेड बाय एयर, ये एयर से एयर में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, व्हाइल वी यूज माइक्रोवेव इन रडार, हम माइक्रोवेव का यूज रडार सिस्टम में करते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ माइक्रोवेव इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ m/s। माइक्रोवेव में हम रडार का यूज करते हैं क्योंकि माइक्रोवेव की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ m/s होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये जवाब एक नंबर लाइक काफी है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे आप लोग, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस, दो पार्टिकल है दोनों के चार्ज इक्वल है। ओके, इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट होते हैं, डिफरेंस है, इंटर्स इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं। डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2, एक की रेडियस R1 थी और एक की सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है R2। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर मासेस M1 M2, उनके मासों का रेशियो आपको बताना है। ये चीज को आप जरा ध्यान से देखते चलिएगा। तो देख लीजिए आप सभी, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि जब पार्टिकल, देखिए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बना देता हूँ, हालांकि फिगर की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, पर आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस, दो पार्टिकल है दोनों के चार्ज इक्वल है। ये पहला पार्टिकल, इसका चार्ज भी क्यू है, दूसरा पार्टिकल बी है, इसका चार्ज भी कितना क्यू है। ये इंटर हुए और इंटर होकर इन्हें सर्कुलर पाथ बना ली जिसकी रेडियस एक की R1 है और एक की सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी R2। ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए। दोनों का सेम पोटेंशियल था, पोटेंशियल भी सेम था। ठीक है, तो दोनों के सर्कुलर पाथ की रेडियस R1 R2 थी, ये दिखेगा आपको। तो आपको मासों का रेशो बताना है। तो पहले वाले का जो मास है हम M1 मान रहे हैं, दूसरे वाले के मास को हम क्या मान रहे हैं M2। तो ये तो आपको पता ही है कि M मास का पार्टिकल जिसका चार्ज Q है V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स काम करता है आपका F=QVB, साइन थीटा नहीं लगाएंगे हम क्योंकि थीटा को मैक्सिमम लेना पड़ेगा और पार्टिकल वैसे भी परपेंडिकुलर एंटर होता है। और दूसरा फोर्स रहता है सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंटर कारण MV²/R। चलिए इनको मिलवा देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखते क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एक और दो से QVB बराबर हो जाएगा आपका MV²/R। एक V से आपका एक V कट गया। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए इतना। अब हम क्या करने वाले हैं, मास को फ्री कर दे रहे। तो मास M आपका, ये कैपिटल M लेना मास को। हाँ, क्योंकि उसने खुद ने बोला है, डिमांड किया मास को कैपिटल M लेना है और रेडियस को कैपिटल R लेना है। कैपिटल R और ये भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R। चलिए देखिए, तो कैपिटल M को अपनी जगह पे छोड़ दिया हमने, तो हमने पाए कि QBR हो जाएगा, R ऊपर चला गया है ना, और ये MV, ओके MV, MV आ जाएगा
तो एम यही पे रह गया, वी आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको अभी हम तुरंत में इक्वेशन नंबर थ्री देके रोक रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर थ्री है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब आप एक चीज जानते होंगे कि यूनिट नंबर सेवन से कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज ले रहा हूँ, और वोल्ट के लिए मैं कैपिटल वी पोटेंशियल को यूज कर रहा हूँ, है ना। ये वी वेलोसिटी वाला वी है और ये कैपिटल वी पोटेंशियल वाला वी है, इसको आप भूलिएगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं रखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर और ये होगा क्यू कैपिटल वी। ओके, तो मेरे को वेलोसिटी निकालना चाहिए यहाँ से, देखते वेलोसिटी क्या आती है। तो वी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा रहेगा, टू आ जाएगा डिवाइड से इनटू में, तो टू क्यू वी हो जाएगा, ये कैपिटल वी है, अपॉन एम आ जाएगा नीचे। ओके, देखते क्या हो पा रहा है। तो वेलोसिटी वी बराबर इसका इसका सामने का स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो हो जाएगा टू क्यू कैपिटल वी पोटेंशियल वाला वी अपॉन मास, कैपिटल एम है मास, है ना, कंफ्यूज नहीं होगा आप। मैं स्मॉल एम ही बना रहा हूँ क्योंकि आदत है, हमारी हैबिट है स्मॉल एम बनाने की, पर इस क्वेश्चन में डिमांड है इसलिए इसको सुनना पड़ेगा। अब वी की वैल्यू उठा के हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर तीन में वी की जगह रखने वाले। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री में हम देखेंगे कैपिटल एम बराबर हो जाएगा क्यू बी आर के अपॉन में वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी की जगह हो जाएगा आपका टू क्यू कैपिटल वी के अपॉन में कैपिटल एम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इसे रूट को एम के पास ला रहे, तो कैपिटल एम के पास आपका रूट डिवाइड से इनटू में आ जाएगा टू क्यू वी अपॉन एम, और यहाँ पे रह जाएगा आपका क्यू बी आर, क्या रहेगा आपका क्यू बी आर, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपकी। अब हम स्क्वायर इन बोथ साइड कर रहे हैं, तो स्क्वायर इन बोथ साइड से देखते क्या होता है, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो स्क्वायर इन बोथ साइड से क्या होगा देख लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर होके एम का एम स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा टू क्यू कैपिटल वी पोटेंशियल वाला वी और ये मास, और ये हो जाएगा आपका क्यू का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर। तो एक एम से आपका एक एम कट गया, आप मुझे एम को फ्री करना है, तो एम के लिए मैंने देखा कि जो एम आया, देखिएगा ध्यान सभी, एम को यही रहने दीजिए, एम यही पे रहेगा कैपिटल एम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर था ही था आपका, इसके अपॉन में टू क्यू वी नीचे आ जाएगा, टू वी नीचे आएगा, एक क्यू से एक क्यू भी काट देते हैं हम, चलिए क्यू से क्यू कट गया, ये क्यू कट चुका है यहाँ पे, सॉरी एक क्यू कट चुका है, बी स्क्वायर रहेगा रहेगा, इसके अपॉन में क्या जाएगा आपका वी आ जाएगा और टू भी आएगा, तो टू पोटेंशियल वाला भी। तो इसको मैं एम वन कर लेता हूँ, एम वन, इसके लिए रेडियस आर वन हो जाएगी, बाकी चार्ज सेम ही थे आपने देख लिए, दोनों के चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, सेम पोटेंशियल बोला उसने, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सेम है, वी भी सेम है। अब दूसरे पार्टिकल के लिए मास m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा r2 स्क्वायर, ये अपॉन में 2v, दोनों को डिवाइड कर देते देखते क्या आता है, q से q कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, 2v से 2v कट गया, तो ये आपका आ जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा, बराबर जो आपका होने वाला है वो आपका होगा r1 स्क्वायर के अपॉन में r2 स्क्वायर, ये आपका आ गया m1 अपॉन m2 का रेशियो, इसको आप जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉरी एक क्वेश्चन कट गया, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में दो क्वेश्चन है, फोर वाला भी और ये वाला भी नॉर्मली, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए एल मिल गया 2 हेनरी, सी मिल गया 32 मिली फेरड, मिली मतलब 10 की पावर कर देता हूँ -3 फेरड, और आर कर देता हूँ 10 ओम, ये लिखा है आर 10 ओम, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 ओम। व्हाट इज Q वैल्यू ऑफ सर्किट, सर्किट की Q वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है Q और LCR जब दे दे तो 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C होता है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको, तो Q इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन 10 हो जाएगा अंडर रूट L अपॉन C, तो L की जगह आपका होगा 2 और C की जगह आपका जो होगा वो होगा 32 × 10 की पावर कितना -3, इस पर ध्यान दीजिएगा, Q फैक्टर बराबर 1/10, 2 1 जा 2 16 जा, ठीक है, तो ऊपर 1 का तो रूट 1 ही होगा और 16 का नीचे से निकलेगा 4 और रूट में पड़ा रहेगा आपका 10 की पावर -3। ओके, तो Q इक्वल्स टू हो जाना है आपका 1/10 × 1/4, रूट ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा, तो 10 की पावर +3 को 10 की पावर 2 × 10 तो लिख ही सकते हैं, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 × 1/4, इसको ऐसे शुरू करके 10 बाहर निकलेगा, अभी रूट 10 आपका पड़ा ही। ओके, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, एक 10 से आपका एक 10 कट गया, इसके लिए आप तैयार रहिए, तो Q फैक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 √10, और रूट 10 की वैल्यू आपने 9th क्लास में पढ़े हो रेशनल नंबर चैप्टर में, रूट 10 की वैल्यू 3.162 होती है,
अपॉन फोर, तो इसको जब आप काटोगे तो 4 0 0 0 कैरी 1 होगा और 3 होगा 4 7 28 7 9 के करीबन आएगा आपका, और भी आगे बढ़ सकता है प्लेस, पर इतना काफी है आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इसके और में देखिए, इसके और में क्वेश्चन भी दिया है, वो आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए, टू इंडक्टर्स L1 एंड L2, दो इंडक्टर्स L1 L2 दिख रहा है, ये L1 और ये L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, एंड अ टाइम वेरिंग करेंट फ्लोज शोन इन फिगर, एक टाइम वेरिंग करेंट फ्लो हो रहा है जैसा कि फिगर में दिखाई, आई करेंट यहाँ पे के दो टुकड़ों मट गया I1 I2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2, आपको I1 I2 का रेशियो बताना है। तो आपको समझना चाहिए यहाँ कहीं पे कोई सर्किट लगा है, देखिए यहाँ कहीं पे कोई सर्किट होगा, एसी सर्किट या कोई सोर्स लगा होगा, देखिएगा आप सभी ऐसा लगा हुआ है, तो इसका EMF E1 हो जाएगा और इसका EMF E2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, E2, कि आपका 4 का और वाला चल रहा है, 4 का और क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, देखिएगा, तो E फैराडे का सेकंड लॉ जो होता है, सिंस E बराबर होता है माइनस dΦ अपॉन dt, क्योंकि L आ गया इसलिए Φ बराबर Li भी होता है, तो E बराबर हो जाएगा माइनस d अपॉन dt, Φ की जगह हो जाएगा Li, तो E बराबर हो जाएगा माइनस एल या आपका डीआई अपॉन डीटी होगा, क्या होगा डीआई अपॉन डीटी, तो ईवन के लिए इसको इक्वेशन बन दी है, ईवन के लिए ईवन रहेगा और ये L1 रहेगा और ये करंट I1 होगा, वैसे E2 के लिए क्या होगा माइनस एल L2 हो जाएगा, DI I2 हो जाएगा और ये DT हो जाएगा। ईवन E2 की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हो जाएगा E1 बराबर E2, तो E1 की जगह हो जाएगा माइनस L1 DI1 अपॉन DT और ये हो जाएगा माइनस L2 DI2 अपॉन DT, माइनस से माइनस कट गया, डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर रहे हैं हम दोनों तरफ का, डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, तो डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होने का मतलब D अपॉन DT से D अपॉन DT कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा L1 I1 और यहाँ पे बचेगा L2 I2, तो हमें I1 I2 का रेशो चाहिए, तो I1 यहाँ पे रह गया रहेगा, I2 नीचे आ जाएगा, जैसे L1 L2 पर रहेगा रहेगा, L1 नीचे आ जाएगा, तो आपका I1 अपॉन I2 बराबर L2 अपॉन L1 ये आपका हो जाएगा रेशो आके रेडी। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का और हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का रेशो बताना है। तो n इक्वल्स टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n इक्वल्स टू 2 को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल्स टू 3 को कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो हमको इनका रेशियो बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंस EN बराबर आप जानते हैं, EN होता है माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप जानते हैं, कोई बात ही नहीं इसमें, कि हमने प्रूफ भी किए थे, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर EV, तो E2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस 13.6, 2 का 4 हो जाएगा EV, और n इक्वल्स टू अगर हम 3 लेते हैं तो देखते क्या होता है, ये हो जाएगा E3 बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर EV, तो E3 बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 3 का 9 EV, चलिए इसे डिवाइड करते हैं देखते क्या आता है, तो E2 अपॉन E3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 2 का 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13.6 3 का 9 और यहाँ पे भी EV यहाँ पे भी EV EV से EV कट गया, माइनस 13.6 से माइनस 13.6 कट गया, 9 प्लेट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 अपॉन E3 बराबर 9 अपॉन। ठीक है, ये आएगा एनर्जियों का रेशो, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे अब हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 फिर हो गया था, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे अब हम, 5 आपको करवा दिया गया अभी। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम एक्सेलरेट हो रहे हैं सेम पोटेंशियल से, तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है अल्फा प्रोटॉन का। तो देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है आपको पता होनी चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू एच के अपॉन में होती है अंडर रूट 2m qv, ई के होती है, और ई के को हमने अब भी शुरू में ही आज पढ़ा था, ई के को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई लगता है पर अदर पार्टिकल के लिए हम क्यू बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, फॉर प्रोटॉन, ध्यान दीजिए फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए लैम्डा के फुट में प्रोटॉन हो जाएगा, एच रहेगा रहेगा, टू रहेगा रहेगा, मास के फुट में प्रोटॉन आ जाएगा,
चार्ज के फुट में प्रोटॉन हो जाएगा और पोटेंशियल सेम बोला इसलिए वी सेम ही रहेगा। फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी देखते हैं हम क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा अल्फा बराबर एच रहेगा, रहेगा आपका क्या हो जाएगा 2m अल्फा क्यू अल्फा और ये आपका v हो जाएगा। इसको जरा ध्यान देना, दोनों को अब हम डिवाइड कर देते हैं, देखते क्या होता है। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा सॉरी प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू, देखिए लैम्डा प्रोटॉन की वैल्यू क्या है एच है, एच के अपॉन में कितना है 2mp QpV और ये H के अपॉन में क्या आ जाएगा 2m अल्फा Q अल्फा V। ठीक है ये आपका है SH कट गया, रूट पलट के ऊपर जाएगा तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर रूट पलट के ऊपर गया तो आपका हो जाएगा 2m अल्फा Q अल्फा V और नीचे वाला रहेगा आपका बोलो 2mp QpV, मिला दीजिए दोनों को लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर रूट मिल जाएंगे आपके, ये हो जाएगा 2m अल्फा Q अल्फा V और ये हो जाएगा 2mp QpV, V से भी कट गया 2 से 2 कट गया। अब देखते क्या होता है, आप जानते हैं कि अल्फा का जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। तो लैम्डा अल्फा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर देखिए m अल्फा की जगह हम रख देते हैं 4mp और q अल्फा की जगह रख देते हैं 2qp और नीचे आपका एमपी क्यूपी रहेगा रहेगा, एमपी और क्यूपी रहेगा रहेगा, क्यूपी से क्यूपी कट गया, एमपी से एमपी कट गया। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा रहेगा आपका, ऊपर से रूट फोर से टू बाहर निकल जाएगा, रूट टू पड़ा रहेगा ही, अपॉन नीचे कुछ नहीं बचा वन है। तो लैम्डा प्रोटोन रेशो लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा 2√2:1, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ने आपको क्लास में भी करवाया गया था और साथ में हमने आपको अगर यहाँ पे बोला गया है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम ये, और हमने आपको क्लास में काइनेटिक एनर्जी सेम वाला भी करवाया था जो 2:1 आता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हम, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा कि इन फ्यूजन प्रोसेस मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इट इज इम्पॉसिबल टू कंबाइंड विथ ड्यूट्रॉन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो इम्पॉसिबल है कि उस न्यूक्लियर फ्यूजन पे दो ड्यूट्रॉन कंबाइंड हो, क्या कंबाइंड हो दो ड्यूट्रॉन, टू ड्यूट्रॉन कंबाइंड होके हीलियम न्यूक्लियस बनाए, क्योंकि आपको इसका जवाब ये लिखना पड़ेगा कि ये जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है, इस पे होती है हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है। ठीक है ये जब आपको लिखना पड़ेगा कि ये इसलिए इम्पॉसिबल है कि दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये हाई, इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। फॉर फ्यूजन प्रोसेस वी वॉन्ट हाई टेम्परेचर, हमको क्या चाहते हैं हम हाई टेम्परेचर चाहते हैं जिसपे ये चीज हो पाएगा, जबकि ये चीज ड्यूट्रॉन जब दो ड्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे उस समय रूम टेम्परेचर पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। रूम टेम्परेचर तो आप जानते हो 27 डिग्री सेल्सियस, इतने छोटे से टेम्परेचर पे दो ड्यूट्रॉन कंबाइंड होकर न्यूक्लियस नहीं बना सकते, उसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है। ठीक है ये वन वर्ड वन लाइन का है, आप इसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा इसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, देखिए अ पीस ऑफ कॉपर, एक कॉपर का पीस है, क्या है अ पीस ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम, एक कॉपर का पीस है और एक जर्मेनियम का पीस है, आर कूल्ड, दोनों को ठंडा किया जा रहा है रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक इसको ठंडा किया जा रहा है। ठीक है ध्यान देते हुए चलेंगे आप सभी। तो सबसे पहले आप समझिए कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर इसको अगर हम केल्विन में बदलेंगे क्योंकि 80 केल्विन तक इसको ठंडा किया जा रहा है तो 27 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 300 केल्विन, कितना 300 केल्विन आपको क्लियर होना चाहिए। इससे उसको T2 तक मतलब 80 केल्विन तक लाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है ना, ठंडा किया जा रहा है मतलब टेम्परेचर गिर रहा है। तो वो जानना चाह रहा है हाउ देयर रेजिस्टेंसेस विल वेरी, कॉपर का के पीस का और जर्मेनियम के पीस का दोनों को हम 300 केल्विन से 80 केल्विन तक, 80 केल्विन तक हम उसको क्या कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं, कूल्ड कर रहे हैं, कूल्ड मतलब ठंडा कर रही है, तो टेम्परेचर पे क्या असर होगा। तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि जो कॉपर है, क्या है कॉपर इज अ मेटल, क्या है इज अ मेटल,
एंड फॉर मेटल, फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होता है, मेटल के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, कूल होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस विल क्या होगा, इसका जवाब होगा रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, और जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, उसके लिए क्या होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, टेम्परेचर जितना कूल होगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस विल क्या होगा, इसके लिए होगा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है आपका। अब 8 का और देखने वाले हम, तो 8 का और भी देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या होता है। आपको अभी लग जरूर होगा कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, पर एक बात आप याद रखिए, छोटे क्वेश्चनों में मेहनत ज्यादा रहती है, ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी। बड़े क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपके पहचान के ही मिलते हैं, देखिए, और पूरा फुल लेंथ पेपर आपको देखना चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही आए, क्वेश्चन इनके अंदर से भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 का और देख लेते, देखते क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का और देखिए, इन नेटवर्क शोन इन फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी एंड नेगलेबल इंटरनेशनल, आपको करेंट बताना है कि सर्किट से कितना करेंट बहा, आपको ये चीज बताना है कि सर्किट से करेंट जो बहा वो कितना बहा। ओके, ध्यान देंगे आप सभी, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ये डायोड जो लगा है, इस डायोड का ये एन वाला हिस्सा है और ये वाला पी वाला हिस्सा है, और इस डायोड का ये एन वाला हिस्सा और ये पी वाला हिस्सा है, तो ये वाला डायोड जो एन वाला हिस्सा है वो आपका जुड़ेगा बैटरी के माइनस से, और पी वाला हिस्सा जो है वो बैटरी के प्लस से जुड़ रहा है, मतलब ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस का डायोड है, किसका है, फॉरवर्ड बायस का, और इसमें देखिए पी वाला हिस्सा जो है, पी वाला हिस्सा वो बैटरी के माइनस से जोड़ रहा है, बैटरी के माइनस से ये, और एन वाला बैटरी के प्लस से, मतलब ये आपका रिवर्स बायस है, क्या है, रिवर्स बायस, और आप जानते हो कि रिवर्स बायस में कभी भी करंट नहीं बहता, तो इसलिए इतने भाग पार्ट में कोई करंट नहीं आएगा, इतने पार्ट के लिए आपका जो करंट आई है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा आपका, जीरो, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब रही बात हमें करंट बताने की, तो करंट के लिए अब जिस पे मैं ब्लू सर्कल बना रहा हूँ उसे इतने भाग में करंट बहेगा, इतने पार्ट में, और कितना करंट बहेगा ये आपको बताना है, देख लेते कितना करंट बह रहा है। देखिए I इक्वल्स टू होता है E अपॉन R नेट, क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगे, अब एक 10 ओम का और नीचे वाला भी 10 ओम का, और दोनों अब एक ही वायर से जुड़े, तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा, तो I इक्वल्स टू EMF हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जुड़े तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 10, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 3/20, तो I इक्वल्स हो जाएगा 3/2×10, तो I इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1.5/10, I इक्वल्स टू हो जाएगा 0.15 एम्पियर, फिर आपकी मर्जी आप इसको मिली माइक्रो नैनो जिससे बदलना चाहे बदल लीजिए, यहाँ तक से आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, इसे ध्यान से देखते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा एक अजीबो गरीब टाइप का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 2 दोनों से मिलकर बना है ये, ठीक है, देखिएगा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स करेंट, इलेक्ट्रॉन करेंट एंड होल करेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 7/4, कितना है, 7/4, एंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल जो है वो कितना है आपका, 5/4 है, कितना है, 5/4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स का आपको रेशियो बताना है कितना होगा। देख लेते, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए है नहीं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही, तो करंट बराबर आई बराबर होता है NEAVD, आई बराबर क्या होता है NEAVD, यहाँ पे ए आप जानती हो कि ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई इलेक्ट्रॉन जो बह रहे वो है ना। अब देखिए फॉर होल्स, फॉर पहले इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आई ई हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, ई ए कॉन्स्टेंट है, और वी डी की जगह में वी ई लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे फॉर होल्स के लिए, होल्स के लिए क्या होगा, होल्स के लिए होगा आई एच, एन एच हो जाएगा, ई ए रहेगा, और ये हो जाएगा आपका वी एच, मिला आपस में, तो आई अपॉन कितना हो जाएगा आपका आई एच, ये हो जाएगा एन ई ए वी, और ये हो जाएगा एन एच ई ए वी एच, ई ए से ई ए कट गया, देखते क्या आता है, तो आपका आई अपॉन आई एच रहेगा, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एच इंटू वी अपॉन वी एच, ठीक है, तो मुझे एन ई अपॉन एन एच पता करना है। आई अपॉन आई एच की वैल्यू तो आपको दिख ही रही होगी 7/4 है, तो आई अपॉन आई एच की वैल्यू 7/4 हो जाएगी,
एन ई अपॉन एन एच पड़ा रहेगा ये आपका, वी अपॉन वी एच की वैल्यू 5/4 है, कितनी 5/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये आपका एन ई अपॉन एन एच रहेगा रहेगा 7 रहेगा रहेगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा इसका रेशियो 7:5, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सीबीसी का, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर अ कॉन्वेंशनल लैम्प। एक कॉन्वेंशनल लैम्प के ऊपर आपको एलईडी के एडवांटेजेस फायदे बताने हैं, तो आप जानते हैं, तो इसने दो बोला, हम तो बहुत सारे बता सकते हैं आपको। पहला, एलईडी चीप इन प्राइस, कीमत में सस्ता होता है, चीप इन प्राइस। नंबर दो, इजिली रिपेयरेबल, आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। नंबर थ्री, हम लिख सकते हैं कि इससे एनर्जी कंजर्वर, एनर्जी की बचत करता है, पावर सेवर, पावर की बचत करता है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैनेज हो सकता है, कम किया जा सकता है, ये लगा के। तो इतना जवाब आपके लिए काफी है, उनने दो बोला, हमने आपको फाइव बता दी, और भी इसके बहुत सारे हैं, पर ये फाइव आपके लिए काफी है, ठीक है। अब हमारे एक नंबर के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब हमें आना है आपके बड़े क्वेश्चनों पे, तो देखते हुए चलिएगा आप सभी। अब एडजेसेंट रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे, तो देखिए एडजेसेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 में टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, एडजेसेंट के लिए ए लेबल्ड किया गया और रीजन के लिए आर लेबल्ड किया गया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है एबीसीडी। क्या चूज करना है? एबीसीडी। ए तब चूज करना है जब बोथ कैपिटल ए और कैपिटल आर ट्रू हो, ए और आर दोनों सही हो, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर सेकेंडरी पार्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट किसके लिए हो, ए के लिए हो। बी तब चूज करना है जब ए और आर दोनों सही हो किंतु बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए और आर दोनों सही हो पर आर का ए से करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब कोई रिलेशन ना हो तब करना है। सी तब चूज करना है जब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही हो और आर गलत हो, एजर्शन सही रीजन गलत हो, तब करना है सी को चूज। और डी को तब चूज करना है जब ए इज फॉल्स, ए गलत हो और आर इज ऑल्सो फॉल्स, एजर्शन भी गलत हो और आर भी गलत हो, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आता है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एजर्शन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इट्स इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा व्हेन डायपोल इज सेट अलोंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाएगा, सेट किया जाएगा, तो ये स्टेबल होगा। और रीजन में लिखा है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ डायपोल शुड बी लीस्ट पॉसिबल, स्टेबल कंडीशन जो होगी उसमें जो एनर्जी होगी वो लीस्ट पॉसिबल होगी। आपको ये दोनों बताने के एजिसन रीजन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो देखिए इसे ध्यान से। तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है, एजिसन का, एजिसन जो है फर्स्ट वाला वो हमें सही लग रहा है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विलिब्रियम में प्लेस रखा जाएगा तो वो स्टेबल होगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जब भी कभी आप डायपोल को रखते हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम ही कहलाता है, बिल्कुल सही है ये। और परपेंडिकुलर रखते हो तो अनस्टेबल या परपेंडिकुलर कहलाता है। पहला वाला तो एजर्शन तो मुझे सही लग रहा है। रीजन में इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ डायपोल शुड बी लीस्ट, बिल्कुल स्टेबल में एनर्जी जो होती है यू वो क्या होती है आपकी P1 cos θ होती है, P1 cos θ होती है आपकी, P1 cos θ। तो आप इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप लोग क्या करोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप कॉस थीटा को अगर आप वो कर लोगे, थीटा को अगर आप 0 डिग्री लेते हो, थीटा को 0, तो यू बराबर क्या होगा, P1 cos 0, 1 होगा 0, तो यू ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, 0, जो लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट पॉसिबल हो जाएगा। तो रीजन भी मुझे सही लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, एडजेसेंट रीजन दोनों सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और डायपोल आएगा उसके बाद एनर्जी बात की चीजें, इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ए वाला है। सेकंड, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय बैटरी। देखिए जो प्लेट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उसको कनेक्ट किया गया किससे, बैटरी से, किससे, बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्ट किया हमने, देखते अब क्या बोलना चाह रहा आगे। प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, चार्जेस ऑन प्लेट्स इंक्रीजेस, चार्ज ऑफ प्लेट इंक्रीज होते जाएंगे ऑन इंट्रोड्यूसिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो चार्ज इंक्रीज ही होते दिखेंगे। सही है कि गलत है, क्या लग रहा है आपको ये? मुझे तो सही लग रहा है कि डायलेक्ट्रिक जब ये रहेगा तो चार्ज भी बढ़ते जाएंगे,
तो एडजस्टेड तो मुझे सही लग रहा है। अब रही बात रीजन की, तो रीजन को भी देख लेते हैं। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस वही है, इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिल्कुल सही है। सी इक्वल्स टू होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो सी डाइक्लोज़र टू आपका की होता है, ये इंट्रोड्यूस होगा तो सी भी बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा आपका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सही है, भी रीजन भी सही है। इसमें पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात होगी, इसलिए इसमें भी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एजर्सन, अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ हैव सेम फोकल लेंथ। एक कॉनकेव मिरर की और एक कॉन्वेक्स लेंस की हैव सेम फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ सेम होती है नियर में। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर उसकी फोकल मिरर कॉनकेव उसकी फोकल लेंथ आपको पता है माइनस होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है। गलत है ये, दोनों सेम हो ही नहीं सकती, तो ये एडजस्टमेंट तो मुझे गलत लग रहा है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से कम है, ये भी गलत है। तो एजेशन और रीजन दोनों की दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, एजेशन इज फॉल्स और रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नो डिफ्रेक्शन इज प्रोड्यूस इन साउंड वेव नियर अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। अगर बहुत कम जगह से खुला है, देखिए आपने डिफ्रेक्शन का मतलब होता है मुड़ना, डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है मुड़ना है, टर्न होना या मुड़ना होता है। तो कहना चाह रहा है कि एक जगह से बहुत कम जगह से होले, एक बहुत छोटा होले, तो वहां से नो डिफ्रेक्शन इज प्रोड्यूस इन साउंड वेव्स नियर अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, एक बहुत कम जगह से जहां से खुला है वहां से साउंड की वेव में डिफ्रेक्शन नहीं होगा। सही की गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, डिफ्रेक्शन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, डिफ्रेक्शन के लिए क्या चाहिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो ये सही है। अब अगला रीजन देख लीजिए, फॉर डिफ्रेक्शन टू टेक प्लेस ऑफ अपार्चर ऑफ ओपनिंग शुड बी सेम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव। जो डिफ्रेक्शन के लिए जो अपार्चर होता है, अपार्चर मतलब एक प्रकार से डायमीटर, अपार्चर मतलब क्या होता है डायमीटर, खुला होना चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, वेव की वेवलेंथ के बराबर का ऑर्डर का खुला होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। और यहाँ पे सबसे मेन चीज डिफ्रेक्शन को ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया और डिफ्रेक्शन को फिर नीचे सेकेंडरी में इंट्रोड्यूस किया गया, बात का इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे भी ए वाला ज्यादा असरदार है, इसलिए इसका ऑप्शन ए आएगा, ये आपको देखना चाहिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम पढ़ने वाले और करने भी वाले, जरा इसको ध्यान से देखते चलिएगा। एनी चार है ना, अटेम्प्ट एनी फोर, किसी चार को आपको जवाब देना है, किसी चार का, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम टू द करस्पॉन्डिंग चार्ज चेंज ऑफ इट्स पोटेंशियल। बिल्कुल सही बोला उसने कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस वो रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल का, बिल्कुल किस किस का रेशियो है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बिल्कुल ठीक है। कैपेसिटर्स ठीक है क्या, ये तो सही होगा ना, क्योंकि वो आपको सीधी सीधी बात है केस स्टडी में सही स्टेटमेंट ही देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें गलत एजेशन रीजन में एक सही गलत दे सकता है, दोनों सही दोनों गलत दे सकते हैं, पर केस स्टडी में सही क्वेश्चन देते हैं। कैपेसिटर कंसिस्ट टू मेटल प्लेट्स, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, बिल्कुल सही दिख रही है आपको, पहली प्लेट है और आपकी दूसरी प्लेट है, दिखी रही होगी आपको, विच आर फिल्ड विथ डायलेक्ट्रिक, इसके बीच में डायलेक्ट्रिक को फिल किया जाएगा। वेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू दीज प्लेट्स द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज चार्जिंग अप वन प्लेट विथ अ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज एंड अदर प्लेट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज। ये तो अपनी बात हुई गई थी कि पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे उतने इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, क्योंकि ये आइडियल कैपेसिटर में गिना जाता है, ठीक है, इसलिए पहली प्लेट पे जितने पॉजिटिव होंगे दूसरे प्लेट पे उतने ही नेगेटिव होंगे, है ना, ठीक है, ये बोला ना इसने इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, ठीक है। आगे बढ़ते द जनरलाइज इक्वेशन फॉर द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू बराबर सी वी, होता ही है ये, देखिए ना इधर Q1 जा Q, Q बराबर CV होता ही है। Where C is capacitance of capacitor, यहाँ पे C capacitance of capacitor, ये तो बिल्कुल हमारी जानी पहचानी चीजें थी, कोई भी चीज इसमें नया नहीं आया। अब आगे बढ़ते देखते क्या होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, capacitance of capacitor does not depends, capacitance का capacitance किस पे डिपेंड नहीं करता,
तो सी बराबर आप जानते हो पैरेलल प्लेट की बात हुई है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है, डायरेक्टली कांस्टेंट के लिए के लगता है, तो एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, देखिए एरिया पे तो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, सेपरेशन बिटवीन प्लेट पे भी डिपेंड करता है स्मॉल डी पे, ये स्मॉल डी और ये प्लेटों का एरिया ए ना, ध्यान दीजिए, और इसके बीच में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रहेगा, है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और क्या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो देखो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अप्लाइड वोल्टेज, पैरेलल प्लेट का वोल्टेज से कोई लेन देन नहीं है। अब आप बोलोगे क्यू बराबर तो सी वी भी होता है, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी भी होगा, पर यहाँ पे उसने देखे केस स्टडी में उसने केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात किया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मेरा जहां तक ख्याल है आपको पता होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो यही होता है सी बराबर एप्सिलॉन अपॉन डी और डायलेक्ट्रिक के लिए के, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे सी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर विथ नो डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज कनेक्टेड टू कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, हाउ वुड कैपेसिटेंस एंड चार्जेस चेंज इन डायलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के बराबर दो इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स सी नोट एंड क्यू नोट। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो कंडीशन है, एक बार डायलेक्ट्रिक डाला गया था और एक बार डायलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था, तो देखिए आपको तो पता है ये चीज, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कितना है टू, तो आप जानते हो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है सी नोट अपॉन सी, अपन पढ़ चुके हैं चीज, के की जगह दो रख देना दो बराबर हो जाएगा सी नोट अपॉन सी, तो सी नोट वन जस सी बराबर टू सी हो जाएगा, तो सी नोट बराबर टू सी, देखिए सी नोट बराबर टू सी, देखिए कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए C बराबर हो जाएगा आपका C नोड बाय 2, C बराबर क्या हो जाएगा C नोड बाय 2, तो C बराबर C नोड बाय 2 कहाँ दिख रहा हमें, C बराबर C नोड बाय 2 इक्वेशन वन में भी दिख रहा, ऑप्शन में ऑप्शन C में भी दिख रहा, तो चलिए इतना तो हो गया हमारा, इसको रहने दीजिए अभी, है ना, A और C में से एक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला होगा कि चार्ज Q नोट है, चार्ज कितना है Q नोट, देखिए C नोट अपॉन C बराबर क्या होता है, तो C बराबर क्या होता है क्यू वी होता है, क्यू नोट अपॉन वी, और इसके अपॉन में भी C की जगह क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, वी से भी कट गया बराबर दो, तो क्या हो जाएगा देखो क्यू नोट अपॉन क्यू बराबर दो, क्यू नोट वन जा क्यू वन जा क्यू बराबर हो जाएगा क्यू नोट अपॉन टू, क्यू बराबर क्यू नोट अपॉन टू, क्यू ऊपर आ जाएगा टू नीचे जाएगा, देख लीजिए सी नोट अपॉन टू और क्यू नोट अपॉन टू कहाँ पे आ रहा है, C नोट अपॉन टू और Q नोट अपॉन टू ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितने चार्ज स्टोर्ड हो रहे हैं आपको ये चीज बताना है, ठीक है कितने चार्ज स्टोर्ड हो रहे हैं आपको ये चीज बताना है, इसको देखते हैं अब हम क्या होता है इसका, देखिएगा देखिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या है, आपको सबसे पहले पता करना है फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज देखना चाहिए कि कैपेसिटर जब स्टेबिलिटी में होगा, स्टेबिलिटी मतलब रेस्ट में होगा, तभी इसमें हम चार्ज को देख पाएंगे और तभी इसमें करंट बहेगा और तभी हम इसमें चार्ज को देख पाएंगे, है ना, अगर वो मोशनल फॉर्म में कैपेसिटर है आपका तो आपको चार्ज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपका, तो स्टेबिलिटी फॉर्म में हमको उसको निकालना होगा, है ना, स्टेबिलिटी फॉर्म में, क्योंकि इसमें करंट भी फ्लो होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसका नेट, इससे फ्लो होने वाला करंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा हमें इसका करंट, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखिए करंट जो होता है हमारा आई वो होता है वी अपॉन आर, तो आर यहाँ पे दो लगे रेजिस्टेंस आर वन और आर टू, तो इसको मैं आर नेट लिख देता हूँ, तो आई इक्वल्स टू वी, तो हमारा आपको पता ही है वी टू होगा और आर नेट ये एक ही वायर से जुड़े हैं, क्योंकि कट डालने वाला मैंने आपको बता चुका था ट्रिक, कट डालने वाला आपका रजिस्टर नहीं है इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आर वन प्लस आर टू मतलब टेन प्लस ट्वेंटी, तो आई इक्वल्स हो जाएगा टू अपॉन थर्टी वन अपॉन फिफ्टीन, तो आपका जो करेंट आ रहा है आई वो आ रहा है आपका वन अपॉन फिफ्टीन एम्पियर का, है ना, आप इसको डेसिमल में मत बदलिए क्योंकि इसकी जरूरत थोड़ी नहीं हमें, आप इसको डेसिमल में बदलेंगे फिर कुछ समय बाद इसको और आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, इससे अच्छा आप इसको फ्रैक्शन में ही पढ़ा दीजिए। चलिए अब हमें निकालना होगा इसके लिए पोटेंशियल, कि इसका एक्चुअल में पोटेंशियल है कितना,
तो जो पोटेंशियल होगा ए और बी के बीच में, ये इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, इसके बीच में हमें पोटेंशियल असली में पता करना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, ए और बी के लिए पोटेंशियल वी बराबर होता है हमारा आई आर, वी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा आई आर। तो ये आपका आई जो रहेगा वो आपका होगा, आपको पता चल गया 1/15 है, और आर कितना है आपका, आर है आपका देखें ये ए बी, ये सॉरी हमें 10, तो ये 10 लेना पड़ेगा मुझे, 5 2 जा 5 3 जा, तो वी ए बी आपका हो जाएगा 2/3 वी। तो वी ए बी, ए बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 2/3। ओके, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है जरा ध्यान दीजिए चार्ज, स्टोर्ड चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस क्यू बराबर सी वी होता है, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, तो ए बी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सी, सी हो जाएगा 6 μF 10 की पावर 6, और ए ये कितना होगा आपका देख लीजिए, वी ए बी होगा आपका 2/3, 3 1 जा और 3 2 जा, तो क्यू बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 × 10 की पावर कितना -6 कूलाम, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका 4 × 10^-6 को माइक्रो कूलाम कहेंगे हम। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स डेट अपोजेस द चेंज ऑफ द सर्किट कैपेसिटेंस, सर्किट के कैपेसिटेंस में वो कंपोनेंट्स बताइए जो अपोज करते, जो हमेशा अपोज करते हुए पाया जाता है, जो हमेशा अपोज करते हुए पाया जाता है, तो क्या चीज होगी। तो अपोज हमेशा वोल्टेज ही करता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप की तरफ जाता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज अपोजिंग फॉर्म में रहेगा। अगला हमारा जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, देखिए 5 μF कैपेसिटेंस कितना आपका सी बराबर है 5 μF मतलब 10^-6 फैरड, और इसका पोटेंशियल वी जो है वो आपका कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है, आपको एनर्जी बताना है, तो यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, आप जानते हैं, तो हाफ रहेगा सी की जगह हो जाएगा आपका 5 × 10^2 कितना -6, और वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 100 × 100। चलिए इसको देखते कितना आता है, तो यू बराबर 5 का हाफ तो 2.5 ही होगा, और 10^-6 और ये 2 2 4 + 4, तो यह u बराबर हो जाएगा आपका 2.5 × 10^2 कितना -2। ठीक है जूल, अच्छे से अगर इसको लिखना चाहे तो देख लेते क्या होता है, u इक्वल्स टू 25 के अपॉन में 10 × 10 करके कितना -2 जूल, तो u बराबर हो जाएगा 25 × 10^-2 था, एक ऊपर जाके 10^-3 हो जाएगा, u हो जाएगा 25 × 10 करके कितना -3 जूल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ये यंग डबल स्लिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए इसको ध्यान से, यंग डबल स्लिट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है आपका वो ये है। देखिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, इन यंग डबल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू स्लिट्स प्रोपोर्शनल टू देयर विथ, उसके विथ के प्रोपोर्शनल है, एंड ऑल्सो टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आपने प्रूफ भी किए कि इंटेंसिटी का जो रेशो होता है वो विथो के रेशो के बराबर होता है या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, ये आपने पढ़ लिया जैसे आपको फॉर्मूला दे दिया, और साथ में अपन ने देखे ये डेरिवेशन भी प्रूफ कर लिया कि कंस्ट्रक्टिव के लिए आई मैक्स ए प्लस बी का पहला एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे का दोनों के सम के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और आई मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़े हो आपने यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से इसको देखते चलिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे हो सकता है न्यूमेरिकल में कुछ मदद मिल जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, पहले वाली जो वेव है उसका है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है, तो वाई वन के लिए ए वन साइन ओमेगा टी, और दूसरे के लिए वाई टू बराबर ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब आपको जो फेज मिल गया वो कितना मिल गया 90 का मिल गया, कितना मिल गया 90 का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, तो क्या होगा देखिए आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप पता था आर बराबर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता था, ये पता है ये आपको, पर यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर है, देखिए ए की जगह ए वन ले लिया और बी की जगह ए टू ले लिया, ए की जगह ए वन और बी की जगह ए टू, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस बी की जगह हो जाएगा ए टू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह ए वन बी की जगह ए टू, और कॉस 90 कितना कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होगा, इतना पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन अबो क्वेश्चन विल। देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो क्वेश्चन में उसने कुछ भी हिंट नहीं किया आपको नंबर नंबर के बारे में। ये क्वेश्चन आप कर पाओगे दूसरा, पर उसके लिए आपको देखो रीडिंग मिली है नीचे, रीडिंग आपको नीचे मिली है, नीचे के क्वेश्चन के बेस पे आप कर पाओगे, है ना। पहले थर्ड वाला करते हैं फिर सेकंड वाला बाद में होगा आपका सॉल्व। ये थोड़ा क्वेश्चन के ऑर्डर ऊपर नीचे हो गए शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, आपका क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स आर इन रेशियो। एम्पलीट्यूड का जो रेशियो दिया गया कितना दिया गया है, A1 अपॉन A2 जो आपको दिया गया वो दिया 3:1। देन विथ का रेशो क्या होगा आपको बताना है, तो विथ का रेशो W1 अपॉन W2 का रेशो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए आपको विथ और एम्पलीट्यूड का रिलेशन दिया है उसने, ये देखिए विथ W1 अपॉन W2 दिख रहा होगा आपको, W1 अपॉन W2 बराबर A² अपॉन B² मतलब A1 अपॉन A2 है ना, दिखेगा। देख लेते क्या होता है, देखिए W1 अपॉन W2 बराबर होगा A1² अपॉन A2² तो A1 की जगह हो जाएगा 3:9 हो जाएगा और A2 की जगह 1:1 हो जाएगा, 9:1। तो 9:1 आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन विथ का जो रेशो है, देखो द विथ ऑफ यंग डबल स्लिट आर इन रेशो, विथ का रेशो मतलब आपको W1 अपॉन W2 मिल गया, W1 अपॉन W2 जो मिला है आपको 1:4 मिला है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रही मुझे, 1:4 होना चाहिए, रेशो पीछे चला गया। द रेशो ऑफ, ये सर टाइपिंग के समय थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड आपको एम्पलीट्यूड का रेशो बताना है। आपने अभी तो पढ़े W1 अपॉन W2 बराबर क्या होता है A² अपॉन A² एम्पलीट्यूड का रेशो बताना है आपको, है ना। देखिए इसमें ऑप्शन भी गायब कर दी उनने, खैर कोई बात नहीं आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1/4, आपको एम्पलीट्यूड का रेशो बताना है ना, तो A² अपॉन A² तो क्या हो जाएगा 1/4 रहेगा, A1 इसका स्क्वायर सामने का स्क्वायर रूट बन जाएगा, वैसे A2 रहेगा इसका स्क्वायर सामने का स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो A1 अपॉन A2 बराबर 1:1 और 4:2 1:2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, जो भी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन यहाँ पे शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुई है कुछ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ पाए, तो 1:2 इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिएगा अब दूसरा क्वेश्चन हमारा छोटा था शायद वो अब हो जाए। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा देख लेते हैं। इंटेंसिटी देख लीजिए क्वेश्चन में दिया उसने, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम A+B² अपॉन A-B² है ना, तो इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, 2:1 लेना पड़ेगा हमें, 2:1। तो आपका ये देखिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, मैक्स में A1+A2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसमें A2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, चलिए 1+2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1-2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 3:9 और -1, 9:1 आंसर, मतलब ए वाला ऑप्शन है इसका, देखिएगा इसको ध्यान से। अगला हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिफ्थ वाला देख लीजिए, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस एमिट्स लाइट वेव्स गिवन बाय, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो लाइट वेव को एमिट कर रहे हैं बाय Y1 बराबर A1 sin omega t और Y2 बराबर A2 sin omega t plus pi by 2, will you observe interference pattern? क्या आप यहाँ पे interference pattern को observe कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे interference pattern को observe, क्यों? क्योंकि एक जगह wave, एक जगह कम है, phase कम है और एक जगह phase बढ़ते हुए उसमें दिख रहा, जबकि same phase से wave निकलती है inter coherent source में independent में, तो इसका आंसर नो आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेक्शन सी चालू हो रहा है, 2 नंबर के 9 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एन एलिमेंट्स डेल एल, अपन डीएल लिखते हैं, उसने डेल एल बोला, कितना है डेल एल बराबर डेल एक्स है, तो मैं डेल एल को डीएल लिख देता हूँ, डीएल बराबर डेल एक्स है और डेल एक्स बराबर आपको सबसे नीचे दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब होगा 1/100 मीटर, चलिए लिख लिया मैंने इसको। आगे बढ़ता हूँ, द ओरिजन एंड कैरीज लार्ज करंट, और इससे लार्ज करंट आई जो बह रहा है वो बह रहा है आपका 10 एम्पीयर का, कितना करंट बह रहा है इससे 10 एम्पीयर का। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी कितना होगा ऑन वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर। देखिए ये छोटा सा एलिमेंट है, ये डेलेक्स है, डेलेक्स मतलब डीएक्स है, डीएक्स मतलब डीएल है, इससे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे मतलब आर मिल गया, आर ये आर है आपका,
इस पे आप वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो जब भी स्मॉल एलिमेंट डीएल दिया जाए, मतलब 101% वहां पे बायो सावर्ट लॉ लगेगा, है ना, क्योंकि बायो सावर्ट लॉ में डीएल आता है। तो डीबी बराबर होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा के अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, और थीटा आपको दिख रहा है थीटा 90 है ना। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10^-7 होगा, आई 10 एम्पियर है, डीएल है आपका 1/100, डीएल है 1/100, साइन थीटा की जगह साइन 90 हो जाएगा के अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है आपका, आर है 0.5 मीटर, 0.5 × 0.5, ठीक है। तो डी बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/10 से 1/10 कट गया, साइन 91 होता है ना, साइन 91 होता है, तो ये 1/10 आपका रहेगा रहेगा, 10^-7 ऊपर है, ऊपर 10 सरकेगा, ऊपर भी 10 सरकेगा और नीचे 5, और ये भी क्या रहेगा आपका 5, 5 बन जा 5 टू जा 5 बन जा 5 टू जा, ठीक है। तो डी बी इक्वल्स टू कितना होगा आपका, देख लेते हैं, डी बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, देख लीजिए, 2 टू जा 4, 4/10 × 10^2 कितना, -7 टेस्ला। तो डी बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0.4 × 10^2 कितना, -7 टेस्ला, आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। तब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने यूज किया। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, एक स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना मेजर किया गया, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो है इज के यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमको के मानना है, क्या मानना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को के। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा आपका उसको के यूनिट मानना है, क्या मानना है, के यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, ठीक है। पार्ट डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 3 है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने ये चीज पढ़े होंगे कि जो इंटेंस इंटरफेरेंस होता है उसमें आई जो होता है वो होता है आपका आई ए प्लस आई बी, कंस्ट्रक्टिव से हमें 2√ आई आई बी कॉस फाई, आई ए आई बी कॉस फाई, ये आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए बस ब्रेकेट ये 2√ आई आई बी के सामने माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है यहाँ पे माइनस। मैं मान लेता हूँ लेट मैंने लिखा कि आई ए बराबर आई बी को मैंने आई मान लिया, क्या मान लिया इसको मैंने आई, अगर मैं इसको आई मान लूँ तो देखते क्या होता है, इसको आई मानने पे क्या होगा, आई हमारा रहेगा रहेगा, आई नहीं मानते इसको आई नॉट मान लेते क्योंकि आई तो ये नेट चल रहा है यहाँ पे, है ना, नहीं तो आई बराबर आई आ जाएगा कट जाएगा, इसलिए आई ए और आई बी को मैं आई नॉट मान रहा हूँ। तो आई बराबर हो जाएगा आई ए की जगह आई नॉट प्लस आई बी की जगह भी हो जाएगा आई नॉट प्लस 2√ आई नॉट, आई नॉट कितना हो जाएगा कॉस फाई, चलिए देखते क्या होता है। तो आई इक्वल्स हो जाएगा 2 I0 प्लस 2 रहेगा रहेगा आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 I0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस फाई, ठीक है। तो आपका आई की यूनिट मैंने लिख चुका हूँ, आई की यूनिट के होती है, आई की यूनिट क्या होती है के, तो यहाँ पे आपका रहेगा के और ये हो जाएगा 2 I0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 I0 प्लस 2 I0 कितना कॉस फाई। अब यहाँ पे फाइव मतलब फेज लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे फेज, तो पहले बार में फेज ले रहा हूँ यहाँ पे 2π को, पहली बार फेज किसको ले रहा हूँ मैं 2π को, तो आपको पता होगा कि फेज फाइव बराबर पहली बार में 2π ले रहा हूँ, फिर लैम्डा बाई 3 करंट 2π/3 ले लूंगा, ठीक है। देखिए तो के बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 2 I0 रहेगा रहेगा प्लस 2 I0 रहेगा रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2π, कॉस 2π मतलब कॉस 360, पाई मतलब 180 होता है, 2π मतलब 360 होता है, कॉस 360 जो होगा आपका वो माइनस में जाएगा आपका -1/2 में जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा 2 I0 प्लस 2 I0 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, इससे कट जाएगा, तो के इक्वल्स हो जाएगा 2 I0 में से 1 I0 जाएगा तो आपका I0 आ जाएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे बोलने में मुझसे गड़बड़ी हुई, ये आपका कॉस 2π जो रहेगा वो 1 होगा, कॉस 2π की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, तो बोलने में मुझसे गड़बड़ी हुई है, कॉस 2π 2 I0 प्लस 2 I0 इंटू 1 तो आपका हो जाएगा 4 I0, ये इक्वल्स हो गया 4 I0। अब अगली बार में क्या कर रहा हूँ, फाइव इक्वल्स टू ले रहा हूँ क्योंकि लैम्डा बाई 3 का पार्ट डिफरेंस है,
लेना पड़ेगा 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह पाई बाई 3 लेना पड़ेगा, है ना, 2 पाई के अपॉन में 3 ले लिया मैंने, पाथ डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस बराबर लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ फेज डिफरेंस होता है कि नहीं, उस हिसाब से मैंने ये काम किया। अब अगले बार कुछ नहीं करना है, जब फेज 2π/3 या लैम्डा बाई 3 का फेज होगा उस समय मुझे नए वाली इंटेंसिटी पता करना है, ठीक है ना, कि को मैं के डेस ले लेता हूँ न्यू इंटेंसिटी, ये भी वही होगा 2I0 + 2I0, ये हो जाएगा कॉस, है ना, 5 की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 5 की जगह रखना पड़ेगा 2π/3, कितना 2π/3, 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -1/2, तो के डेस बराबर हो जाएगा 2I0 + 2I0 और ये हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कट गया, तो के डेस बराबर हो जाएगा I0, कितना हो जाएगा के डेस बराबर आपका I0। तो एक काम करता हूँ, मैं न्यू इंटेंसिटी मुझे निकालना, तो एक काम करता हूँ के डेश के अपॉन में के करता हूँ, के डेश के अपॉन में के करता हूँ, के डेश की वैल्यू जो आई वो है I0 और के की वैल्यू कितनी आई 4I0 आई, काटी I0 से I0, के डेश रहेगा रहेगा किया जाएगा ऊपर K/4, तो नई वाली इंटेंसिटी जो होगी पुराने वाले से 1/4 टाइम्स हो जाएगी, आपको क्लियर होना चाहिए, ओके, इसे आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूँ, इसका और वाला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है, ड्रॉ शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ए लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्ज हो रही किससे, पॉइंट सोर्स से, तो 18 का और देखिए, ये पॉइंट सोर्स से इसे लाइट को हमको क्या करना है, उससे हमको लाइट को डाइवर्ज करके दिखाना है, देखिए पॉइंट सोर्स से लाइट की क्या होगी आपकी डाइवर्ज होगी, ये लाइट की आपकी क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट सोर्स से लाइट की क्या हो रही है आपकी डाइवर्ज हो रही है, पहला वाला फिगर हो गया आपका ए वाला, और जो बी वाला है आपका वो देख लीजिए, बी वाले में बोल रहा है कि लाइट इमर्ज आउट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को निकलते दिखाना है, इफ ऑब्जेक्ट लाइट इफ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एज फोकस, पॉइंट सोर्स फोकस पे रखा है, कहाँ पे रखा है फोकस पे, पॉइंट सोर्स आपका फोकस पे रखा है तो कॉन्वेक्स लाइट को इमर्ज होते दिखाना है, इधर पड़ी और इधर से पढ़ के ऐसे निकल के आपकी प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी, आपकी क्या बन जाएगी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों फिगर आपको बनाने हैं, बनाइए आप दोनों फिगर को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डायपोल इन एनी आर्बिट्रेटरी पॉइंट्स, आर्बिट्रेटरी पॉइंट पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल बताना है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन के लिए है ये आपको करवा दिया गया था क्लास में, ओके, क्लास में आपको करवा दिया गया था, इसका ये आपको भेज दिया जा रहा है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको करवा दिया गया था क्लास में, पर इसका अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो आपको ये दिखवा दिया जा रहा है, बाकी आप क्लास में हमने जैसे मेथड कराया था उसी मेथड से करें, एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पोटेंशियल के लिए है ये, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो जवाब है ना एक्सियल पोजीशन का है, जिसका जवाब आपको हमने कॉपी में करवा दिया था, फिर भी अगर आपने नहीं देख पाए होंगे तो इसका जवाब ये है, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, एक्सियल पोजीशन था ये, ठीक है, इसे देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक्सियल पोजीशन का था, इसका और वाला देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी आपको करा दिया था, और व्हाट इज द नेटवर्क डन व्हेन अ चार्ज इज मूविंग अलोंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड बाय, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई चार्ज जाता है तो उसका वर्क डन क्या होता है और क्यों होता है ये आपको बताना है, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आप जानते ही है क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अ सरफेस इन विच वी गेट सेम पोटेंशियल ऑफ चार्ज, है ना, 19 का है और 19 का और का जवाब है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बोल दे रहा हूँ, अ सरफेस इन विच वी गेट सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, या आप सरफेस इन विच वी गेट सेम वैल्यू ऑफ चार्ज एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इसमें वर्क डन क्या होता है आपको बताना है, तो इसमें वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो, क्या होता है इसमें वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस इज जीरो, कितना वर्क होता है जीरो होता है, और क्यों होता है इसका रीजन देख लीजिए, इसका रीजन देखिए, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो W इक्वल्स टू होगा F इनटू S। तो आपको पता है डॉट हटा क्या लगता है, डॉट हटा तो कॉस लग जाता है एफ एस का। तो आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो लाइंस होती है, सिंस लाइंस मेक 90 डिग्री, इसमें लाइंस कितने डिग्री बनाती है, 90 डिग्री, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 90, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि वर्डन 0 होता है, क्यों होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 लेफ्ट साइड है, और इसका और वाला यहाँ पे है। ठीक है, आप इसे देखिएगा ध्यान से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, इसकी वर्किंग को आपको समझाना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सोलर सेल एक्चुअल में होता क्या है, सोलर सेल एक डोप्ड पीएन डायोड होता है। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल आर डोप्ड पीएन डायोड, ये एक डोप्ड पीएन डायोड होता है, वर्क इन रिवर्स बायस का में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो क्या करता है, कन्वर्ट्स सोलर डायोड, कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको क्लियर होना चाहिए। और इसका जो लॉजिकल सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, देखिए पीएन डायोड होता है जो सोलर एनर्जी, सन का लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जो ई इक्वल टू एच न्यू का है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस और यहाँ पे बना दीजिए माइनस। ठीक है, 2 नंबर का था, इतना काफी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है। आ लॉन्ग सोलेनोइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक लॉन्ग सोलेनोइड इसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, कितने एन अपॉन एल मिल गया, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सुधार लेते इसको अच्छे से, 15 कर लेता हूँ मैं, इसके अपन में सेंटीमीटर को मीटर बनना पड़ेगा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर हो जाएगा और ये टर्न, तो ये एन अपॉन एल कितना होगा आपका, एन अपॉन एल जो होगा वो आपका हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 1500 टर्न्स। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए टर्न्स इन 1 मीटर। चलो ये हो गया आपका। एंड स्मॉल लूप ऑफ एरिया, स्मॉल लूप जो है उसका एरिया जो है आपका वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये 2 के अपॉन में, सेंटी का 100, इसका 100, तो 10 के बार हो जाएगा -4 मीटर, मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इनसाइड अ सोलेनोइड, ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के अंदर रखा गया है टू इट्स एक्सिस। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनोइड जिसमें 15 टन पर सेंटीमीटर है मतलब 1500 टन पर मीटर है, उसको रखा गया दूसरे सोलेनोइड में उसके एक्सिस पर ही। इफ करेंट कैरिड कैरिड बाय सोलेनोइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, तो इनिशियल करंट जो होगा आपका वो होगा 2 एम्पियर, फाइनल करंट जो होगा आपका I2 वो होगा आपका 4 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, मतलब आपका डेल्टी जो होगा, डेल्टी समय के अनुसार चेंज हुआ मतलब 0.1 सेकंड में चेंज हुआ। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप करंट चेंज। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखते चलिएगा आप सभी। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ तो आपने पढ़े होंगे, है ना, एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़े ही है। एम्पियर सर्किट लॉ से सोलेनोइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यूनोट एन आई होता है, कितना होता है म्यूनोट एन आई। ये अपन स्मॉल सोलेनोइड के लिए देख रहे हैं, फॉर स्मॉल जो अंदर है ना, फॉर स्मॉल सोलेनोइड, तो स्मॉल सोलेनोइड के लिए मैं बी वन ले लेता हूँ, बी वन रहेगा देगा म्यूनोट रहेगा देगा, एन आपका जो होगा एन रहेगा देगा, या आपका आई आई वन हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा आपका आई वन, क्योंकि करेंट चेंज हो रहा है। और फॉर लार्ज सोलेनोइड की बात कर रहे थे, फॉर लार्ज सोलेनोइड, लार्ज सोलेनोइड के लिए आपका बी टू हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू एन रहेगा देगा, या आपका आई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना, तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझाते हैं। इंड्यूस ईएमएफ फैराडे के लॉस ही आएगा जो होता है -dφ/dt, है ना। अब आपको पता होगा डी फाई निकालने की जरूरत है, तो डी फाई बराबर क्या होगा, डी फाई बराबर होगा आपका बी फाई बराबर बी ए होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका बी ए होता है,
पता भी है, तो एरिया तो आपका कॉन्स्टेंटली फॉर्म में जाएगा, तो हो जाएगा डेल बी और ये इंटू ए होगा, तो डी फाई बराबर डेल बी, डेल बी कितना हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा आपका बी टू माइनस बी वन और ये आपका हो जाएगा ए, तो डी फाई बराबर बी टू, बी टू को जब आप रखेंगे, बी टू माइनस बी वन देख लेते, रख लेते क्या होता है, बी टू हमारा होगा म्यू नॉट एन आई टू माइनस ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई वन और ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए डी फाई हो गया आपका, तो डी फाई बराबर क्या होगा आप देख लेते अपन, तो डी फाई बराबर डी ठीक है, सबको अब हम रख देते हैं, बाहर निकल जाएगा आपका म्यू नॉट एन निकलेगा, अंदर जाएगा आई टू माइनस आई वन और ये आपका ए हो जाएगा, तो डी फाई बराबर हो जाएगा, ये म्यू नॉट आप जानते हो 4 पाई इंटू 10 करके कितना माइनस 7 होगा, एन आप देख ही चुके हो 1500 टन, आई टू आपका 4 से 2 हो गया, 2 से 4 हुआ मतलब आई टू माइनस आई वन तो है ना ये हो जाएगा, और ए जो रहेगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू 10 करके कितना माइनस 4, 2 इंटू 10 करके कितना माइनस 4, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम इसको सॉल्व करेंगे डी फाई, तो ये हमारा आ जाएगा 4 4 में 2 जाएगा तो 15 3 3000 दुनी 6000 6000 6 12 12 इस टाइप से 38 38 दुनी 76 7.6 इंटू 10 की पावर आएगा -7 बचेगा आपका वेबर, ये आपका आ गया डी फाई, ठीक है। तो ई की वैल्यू में यहाँ पे रख देते हो डायरेक्ट, तो ई बराबर देखिए माइनस डी फाई, डी फाई हो जाएगा आपका 7.6 इंटू 10 करके कितना -7 और टाइम डी टी, डी टी कितना होगा आपका 0.1, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा तो ई बराबर कितना होगा आपका, ई बराबर हो जाएगा आपका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा तो 76 वही होगा 76 इंटू 10 करके कितना -7 वोल्ट, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया है, आप इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ओके अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड 0.228 एमएम, स्लिटों के बीच का सेपरेशन तो आपको पता ही है, स्लिटों के बीच का सेपरेशन डी होता है, जो होता है 0.28 एमएम, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 0.28 मिली मतलब 10 के बराबर कितना -3 और ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, तो स्क्रीन जो है वो होगा 1.4 मीटर अवे है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका कितना 1.2 सेंटीमीटर, कितना है आपका 1.2 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका सेंट्रल फ्रिंज है इससे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, फोर्थ वाले का जो डिस्टेंस है वो कितना पाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर मतलब 10 के और -2 मीटर ये पाएगा, ठीक है। तो आपका x मान लेते हैं, इसको x या y आपको जो मानना मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.2 इंटू 10 करके था -2 मीटर ये पाएगा। व्हाट इज वेव लेंथ, आपको लैम्डा पता करना है, क्या पता करना, लैम्डा, और ये जो गैप है n, n कितना आ रहा है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, मतलब n बराबर 4, सेंट्रल 0 पे है तो ये 4 है, n बराबर 4 होगा, तो x बराबर आप जानते हो n d lambda upon d होता है, तो x की जगह रख देते हैं 1.2 into 10 की पावर कितना -2, n की जगह 4, d की जगह कितना होगा कैपिटल d आपका होगा 1.4, lambda पता करना है और d d कितना होगा आपका 0.28 into 10 कर कितना -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, lambda देखें 1.2 इंटू 10 के बार कितना -2 बचा है, बराबर एक काम करते हैं 1456 मतलब 5.6 लैम्डा के अपॉन में कितना जाएगा आपका 0.28 इंटू 10 कर कितना -3, ओके ध्यान दीजिए, तो क्या होने वाला देख लीजिए, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और अभी देखिए 0 जा 4 7 जा 28, ठीक है, 0.71 जा 1.2 2 जा में आ रहा है इसमें आ रहा है 2 जा में तो 1.2 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा के अपॉन में 10 कर कितना माइनस 3 तो माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 2 लैम्डा 1 जा हो जाएगा 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5, तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर, आपको क्लियर होना चाहिए, ओके इसको जरा ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे डिफरेंस बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है,
ये आपको बता दिया गया था क्लास में, और रिवीजन के समय भी अभी आपका एक बार क्लास में भी करवाया गया आपको, और एक बार आपको रिवीजन में भी करवाया गया इसको, तो आप इसे ध्यान से देखते चलिए। इसका आंसर हम आपको पेस्ट कर दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा। बाकी आपको रिवीजन में भी क्लास में करवाया गया और कोर्स में भी करवाया गया था, इसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके सामने दिख रहा है आपको। देखिए इतनी चीज आपको याद करना है, और आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि एन टाइप में होल्स इन माइनॉरिटी एंड एन मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन मेजोरिटी होता है, दो डिफरेंस तो ये होगा। और पी में क्या होगा, होल्स इन मेजोरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी, दो डिफरेंस तो ऐसे ही हो गए आपके। फिर इनके पी टाइप और एन टाइप के एग्जाम्पल ले दो, ठीक है। ये बता दो कि पी टाइप का जो होता है उसको ट्राइवेलेंट और एन टाइप को पेंटावेलेंट कहते हैं, डिफरेंस कितने होगा फिर भी आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना, आपको करवाया गया ये चीज। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से लिखते चलेंगे आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब ये आपको लिखवा दिया गया था, फिर भी मैं इसको एक बार समझा देना चाहूंगा आपको, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको डायग्राम से हम समझेंगे तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसको ओरली कितना भी आप पढ़ा दो समझ में नहीं आएगा। देखिए देखिए आप देख देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन को और मैग्नेटिक मेरिडियन को। जियोग्राफिकल मेरिडियन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ येलो कलर का हाईलाइटर, ये देखो जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन ये है, आपको बीच में से ब्लैक लाइन दिख रही है जिसके ऊपर मैंने येलो हाईलाइटर चला रहा हूँ, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है जो अर्थ को वर्टिकली टू पार्ट में बांटता है, समझ गए। एन एक्सिस विच डिवाइड्स अर्थ फ्रॉम मिड वर्टिकली, एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ को वर्टिकली बीच में से दो बराबर हिस्से में बांट दे वर्टिकली, उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन, समझ गए। एन एक्सिस विच डिवाइड अर्थ फ्रॉम मिड वर्टिकली इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये आपको क्लियर होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन खत्म। अब अगली बात आ रही है, मैं इसको ब्लू पेन से समझाऊंगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको आती दिख रही है ना, ये है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन होती क्या है, एक डिप के साथ जियोग्राफिकल मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, देखो जियोग्राफिकल मेरिडियन येलो वाला है, इसके रिस्पेक्ट में डिपिंग कंडीशन में, डिपिंग कंडीशन मतलब झुकाव के कंडीशन में जो एक्सिस रहता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन के रिस्पेक्ट में डिपिंग कंडीशन में जो एक्सिस रहता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे, ओके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आप लिखेंगे। अब इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका और वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने भी जारी किया, और अभी तक हमने जितने भी सैंपल पेपर कराए किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते रहा है। देखिए ध्यान से इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 24 का और, 24 का और देखिए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप आप जानते हो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है वी अपॉन एच, तो टेन थीटा वी होगा आपका वी √3h, वी कितना होगा आपका √3h और ये h कट गया, ये तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी बराबर होगा टेन थीटा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप आपका जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमने आपको करवा चुके, अभी ही क्लास में आपका रिविजन भी हुआ है और आपको क्लास में करवाया भी गया, और दो से तीन पेपरों में आ भी चुका है। इसका डायग्राम आपके लिए हम रेडीमेड डायग्राम आपको प्रोवाइड करें, बाकी आप इसको नोट से देखिए। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट आपके सामने शो किया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। ये आपको बना के दिखाया गया था, इसमें साइन कन्वेंशन अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा। अब हम सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं, इसे ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसमें सर्कुलर लूप रखा गया है।
और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो कितना है आपका 0.04 टेस्ला का। ठीक है, चलिए देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए ठीक है इसमें रखा गया है। आगे देखते क्या बोलना चाह रहा है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा किसी ना किसी रूप से आपको परपेंडिकुलर मतलब 90 मिल गया है। रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट्स श्रिंकलिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, रेडियस आपकी श्रिंक हो रही है मतलब चेंज हो रही है किस रेट से, देख लीजिए 2 mm per second, 2 mm per second मतलब रेडियस चेंज हो रही है, मतलब रेडियस चेंज हो रही है मतलब dr, और टाइम का शिफ्ट मतलब dt, मतलब उसने आपको dr/dt दे दिया, क्या दे दिया dr/dt। ठीक है, तो 2 मिली मतलब 10^-3 मीटर हो जाएगा, और 1 सेकंड के लिए कोई बात ही नहीं है, 1 सेकंड मीटर पर सेकंड हो जाएगा dr/dt। आगे देखते क्या बोला उसने, आगे बोला उसने फाइंड इंड्यूस करंट, आपको इंड्यूस करंट आई बताना है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस जिस समय कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 2 × 10^2 कितना -2 या 2/100 मीटर होगा। ठीक है चलिए, तो देख लेते क्या होता है, फैराडे का नियम ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है आपका d5/dt, ई बराबर d5/dt होता है, बट फाइ बराबर होता है बी ए, फाइ बराबर क्या होता है बी ए, क्योंकि बी और ए की बात हो रही है इसलिए बी एच आएगा ना, तो ई रहेगा रहेगा बी, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, ये हो जाएगा dA/dt, dA/dt, तो ई बराबर हो जाएगा बी d/dt, ए की जगह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ए की जगह क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा बी, पाई बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा d/dt और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको क्या करना पड़ेगा, ई बराबर बी पाई रहेगा रहेगा, टू सामने आ जाएगा 2R, सॉरी 2R सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dr/dt, कितना हो जाएगा आपका dr/dt, तो E रहेगा रहेगा आपका बराबर हो जाएगा 2πbr और ये हो जाएगा आपका dr/dt। चलिए जो जो वैल्यू है उसको रखिए, ये क्वेश्चन असली में एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है, अगर आप देखना चाहेंगे तो JEE में आ चुका है क्वेश्चन, इसमें आंसर पाई के फॉर्म में आ रहा है, इसमें जो आंसर है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, पाई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये आप देखिएगा जरूर ध्यान से, तो देखते अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आंसर वेरिएबल में भी आएगा, तो ई रहेगा रहेगा 2 रहेगा रहेगा, पाई को भी पढ़ा देने दीजिए, बी की वैल्यू आप रख दीजिए 0.04 आर, 2/100 या 2 × 10^2 कितना -2, और dr/dt आपको दिख रहा है 2 × 10^2 कितना -3, और /1 का कोई मतलब ही नहीं, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग 2 × 3 = 4 16 32, तो 0.32 पाई, 2 × 4 = 8 832, हाँ 0.32 आ जाएगा पाई × 10^2 कितना होगा -3 वोल्ट, ये कॉम्पिटिशन में ही आया था आपका, और यहाँ पे करंट की बात आ रही है, तो करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है E/R, तो आई बराबर ई, ई हो जाएगा 0.32 पाई × 10^2 कितना -3, और R की वैल्यू दी नहीं है रेजिस्टेंस की, इसको देना था रेजिस्टेंस कितना मोतम, अब आंसर आता तो ये R, आंसर वेरिएबल में ही आएगा इसका। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेलों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, यदि पहले सेल का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है ना, पहले का E1 R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हैं, E इज ईएमएफ और R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको करवा दिया गया था मैंने, यहाँ पे तो रिजल्टेंट ईएमएफ है, मैंने आपको रिजल्टेंट करेंट, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको सब करवा चुका हूँ ये। ओके, इसको आप जरा ध्यान से देखते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आप देख पा रहे होंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये आपसे बात हो गई, देखिए दो सेल है, दोनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है, पहला सेल है इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग एक साथ और एंडिंग एंडिंग एक साथ जोड़ दिया गया है, आई करंट दो टुकड़ों में है, ये I1 और I2, पॉजिटिव से निकलेगा ना करंट, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा, I बनेगा लौटेगा,
इधर कैसे सोर्स होगा कुछ, इससे लौटते हुए इधर जाएगा है ना, इसे याद रखना मतलब। ठीक तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते क्या होता है। आपको नेट ईएमएफ बताना है, तो आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में, मैं आपको थोड़ा बड़े तरीके से बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर होता है। ई इक्वल्स टू क्या होता है, वी प्लस आई आर, तो वी इक्वल्स हो जाएगा ई माइनस आई आर। फिर ये लिख दिया वी बराबर ई माइनस आई आर होता है, तो पहले सेल के लिए देखिए पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, वी बराबर क्या होगा ई माइनस आई आर होगा है ना, तो आई निकलेगा। देखिए पहले आप ये ब्लैक पेन से जो मैं लिख रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है। देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे आई निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस आई आर इधर आके क्या होगा, प्लस आई आर बराबर होगा ई माइनस वी, तो आपका आई बराबर हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आर। कितना हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आर। तो पहले सेल के लिए फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल के लिए v बराबर e1 माइनस ये करने की जरूरत नहीं आपको, ये लाइन मत लिखना, ये लिख लेना फर्स्ट सेल के लिए i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 बराबर e1 माइनस v, पोटेंशियल सेम है r1 हो गया, और दूसरे सेल के लिए i2 बराबर e2 माइनस v अपॉन r2। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या करना है, आप देखिए से जो नेट i होगा, करंट i जो है वो दो टुकड़ों से मिलकर बना है, i1 प्लस i2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ये i1 i2 की वैल्यू उठा के रख दिया है ना, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उठा के रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने, तो अच्छे से जमा दिया, तोड़ दिया इसको, e1 के अपॉन में r1 माइनस v के अपॉन में r1 प्लस e2 के अपॉन में r2 माइनस v के अपॉन में r2। तो अब हमने क्या किया, e1 r1 प्लस e2 r2 को एक तरफ कर लिए, माइनस v को हमने इधर सरका दिए, माइनस v को 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 को इधर सरका दिए, तो v बराबर LCM हो जाएगा r1 r2, ये आ गया r1, ये शॉर्ट शॉर्ट में हो गया बहुत ज्यादा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको साइड में करते रहो, ये स्टेप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए तो i बराबर, देखिए LCM कितना हो जाएगा, r1 r2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r1 r2 हो जाएगा, ये बहुत शॉर्ट में किया इसने, e1 का r2 में तो e1 r2 प्लस e2 का r1 में तो e2 r1 माइनस v, नीचे से यहाँ पे भी देखिए r1 का r2 में तो r1 r2 हो जाएगा, r2 बन जाए r2 प्लस r1 बन जाए r2, तो r1 प्लस r2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूरी एनर्जी v निकालने में लगा दिया, तो माइनस तो i, देखिए i आपका ही रख दिया जाए और LCM निकाला जाए, क्या निकाला जाए, LCM, तो LCM निकलता है, देखिए LCM आ जाएगा आपका r1 r2, LCM कितना जाएगा आपका r1 r2, तो LCM आ गया आपका r1 r2, ये कट गया, ये हो जाएगा e1 r2 plus e2 r1 हो जाएगा माइनस v हो जाएगा r1 plus r2, v कितना हो जाएगा r1 plus r2 हो गया। ठीक है, तो आगे आपका, तो आप v पे पूरी नजर लगा दीजिए v निकालने में, तो एक काम करते हैं r1 r2 ऊपर आ जाएगा, r1 r2 कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा, R1 R2 आपका I के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 I बराबर ही आपका हो जाएगा E1 R2 plus E2 R1 minus V, बोलो R1 plus R2, तो V को निकालने पे ध्यान लगा दीजिए, minus V इधर आके हो जाएगा plus V R1 plus R2, और ये हो जाएगा E1 R2 plus E2 R1 है ना, और ये माइनस में आ जाएगा R1 R2, और ये कितना हो जाएगा आपका I हो जाएगा, तो V को फ्री कर लो, ये हो जाएगा E1 R2 plus E2 R1 के अपॉन में आ जाएगा R1 plus R2, यहाँ पे भी अपॉन में आ जाएगा माइनस R1 R2 के अपॉन में भी आ जाएगा R1 plus R2, और ये आपका I हो जाएगा। ये स्टेप देखिए उसने यहाँ पे कितनी शॉर्ट किया उसने स्टेप, समझ में ही नहीं आता आप लोगों को। फिर जब आप कंपेयर करोगे, E माइनस आई आर, V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर, V बराबर क्या होता है आपका E माइनस आई आर होता है, V बराबर E माइनस आई आर, तो E से E को कंपेयर कर देते तो आपका E नेट ये आ गया, तो आपका जो ई नेट होगा देख लीजिए, ई नेट जो होगा आपका वो ये होगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन के अपन में आर वन प्लस आर टू, ये आपका आ जाएगा खत्म। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, थर्टी थ्री क्वेश्चन रहते हैं टोटल। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर का क्वेश्चन, वो है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सीजियम मेटलिस 2.14, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन है 2.14 ईवी व्हेन
लाइट इज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी उस समय जो थी वो थी 6 × 10 की पावर कितना 14 हर्ट्ज थी, ठीक है याद रखिए। इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, उसको इंसिडेंट किया गया मेटल सरफेस से। फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्योर, तब इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। व्हाट इज मैक्सिमम करंट डेंसिटी, आपको मैक्सिमम करंट डेंसिटी बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि जो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम करंट डेंसिटी के मैक्स होता है वो होता है आपका ई के बराबर। किसके बराबर होता है? ई के बराबर। और ई बराबर होता है एच न्यू। ये आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सीखे आप लोग ने। तो फाइव प्लस के मैक्स बराबर एच न्यू होगा। तो अपने को मैक्सिमम करंट डेंसिटी निकालना, तो के मैक्स क्या होगा? के मैक्स ये भी पड़ा रहेगा एच न्यू प्लस फाइव दरा के होगा माइनस फाइव। तो के मैक्स बराबर एच, एच होगा 6.625 प्लैंक कांस्टेंट होता ही है, इंटू 10 करके तब माइनस 34 हो जाएगा, इंटू न्यू कितना होगा 6.6, ओ सॉरी 6 × 10 कर 14 है, 6 × 10 की और कितना 14, ये जूल में है, टाइम है सब जूल में। माइनस वर्क फंक्शन है 2.14 ev, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लिया या तो जूल को इलेक्ट्रॉन, ये जूल में है और ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लिया या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लिया। तो के मैक्स जो होगा आपका वो होगा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना ईजी है, 6.6 लिख रहा हूँ बस, इसको 10 की पावर माइनस 34 इंटू 6 × 10 की पावर कितना 14 अपॉन ई से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ई से डिवाइड कर दो, ई हो जाएगा 1.6 × 10 कर कितना माइनस 19। तो के मैक्स देख लेते कितना होता है, तो के मैक्स आपका जो हो जाएगा वो देख लीजिए, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 2.485 ev माइनस 2.14 ev। तो आपका के मैक्स मैक्सिमम करंट की एनर्जी जो आएगी आपकी वो आएगी 0.345 ev, और ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10 माइनस 19 जूल बन जाएगा। है ना, ये आपका ए आ गया है, क्या आ गया ए। अब बी वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। केमएक्स रख दीजिए 0.345 ev और ये कितना हो जाएगा ई वी नॉट, ई से ही कट जाएगा, तो वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा 0.345 वोल्ट। कितना 0.345 वोल्ट, देखो कितना छोटा क्वेश्चन आ गया, जनरली तोकड़ा ही आता है ये वाला बी पर, क्या पता यहाँ पे कैसे आ गया। और नंबर सी पे हमें क्या पता करना है, नंबर सी पे हमको मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड बताने की, इलेक्ट्रॉन की आखिर मैक्सिमम स्पीड है कितनी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालने वाले, देखिए काइनेटिक एनर्जी जब निकली चुकी तो आप जानते हो के बराबर होता है 1/2 mv², तो वी निकालना है बस, वी स्क्वायर बराबर दो ऊपर आ जाएगा 2k और एम आ जाएगा नीचे, तो 2 रहेगा, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 0.345 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बदल लीजिए 1.6 × 10 कर कितना माइनस 19, क्या अपन में एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10 कर कितना माइनस 31 kg, ये सब होता है। इसका स्क्वायर को रख दीजिए सामने वाले का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट रख दिया तो ले देखिए आपका जो फाइनल मैक्सिमम स्पीड जो आएगी वी मैक्स वो आप करके देखिएगा, वो आपका आएगा 3.32 × 10 की पावर 5 आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसका और था शायद एक क्वेश्चन, है ना क्वेश्चन नंबर 28 ये था ऊपर वाला, और इसका और ये है। थ्री राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन की तीन प्रॉपर्टीज बताइए, तो फोटोन की तीन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको एक दिन चलती हुई क्लास में हमने जैसे बात हुई थी आपकी, तो हमने आपको बताए थे कि फोटोन की जो एनर्जी रहती है, एनर्जी वो इक्वल्स टू एच न्यू रहती है। नंबर दो स्पीड जो होती है फोटोन की वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, और फोटोन का जो मोमेंटम होता है, क्या फोटोन का मोमेंटम वो पी बराबर एच अपॉन लेमडा होता है, पी बराबर क्या होता है एच अपॉन लेमडा। और नंबर चार भी लिख लीजिए न्यूट्रल पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ जुड़ा है व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाया था, आपको ये चीज समझाना है। ओके इसको हम देखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट थ्योरी ने
वेव थ्योरी ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाया था, तो इसके ड्रॉबैक्स आपके सामने ये लिखा गया है कि वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज द इमीडिएट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इमीडिएट इजेक्शन हो रहा था, है ना, अचानक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्योंकि जो मेटलिक सरफेस था वो क्या था, फोटो सेंसिटिव था, इसलिए वो इमीडिएट निकल रहे थे। नंबर दो, द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल सरफेस, थ्रेशोल्ड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के ना होकर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकल रहे थे, क्या शो कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। तीसरा, द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की थी वो इंडिपेंडेंट थी, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, ये चीज आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडिएशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए nth लेवल के लिए आपको वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, ये अपन कर चुके हैं क्लास में, अगर आपको याद होगा तो क्लास में आपको करवा दिया गया ये चीज, ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से, फिर भी देख लीजिए शॉर्ट में। पहले वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी देख लीजिए, वेलोसिटी के लिए बोहर पोस्टुलेट क्या होता है, बोहर पोस्टुलेट वो होता है L बराबर NH अपॉन 2 पाई होता है, बट L बराबर क्या होता है, L बराबर MVR होता है, L बराबर क्या होता है MVR, तो हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई बराबर हो गया आपका MVR, V को फ्री कर लो तो V बराबर हो जाएगा आपका NH अपॉन 2 पाई MR, ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी का। अब रही बात आपकी रेडियस का फॉर्मूला, तो रेडियस के लिए देख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमते हैं तो उसमें दो फोर्स काम करते हैं, पहला फोर्स कूलम्ब फोर्स रहता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 बराबर Q2 बराबर E मान लेते हैं हम, लेट माने तो F बराबर हो जाएगा K, Q1 की जगह E, Q2 की जगह E, E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा होता है सेंट्रिपेटल फोर्स, जो होता है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से 2 में वैल्यू रख दीजिए F की, 2 से 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R बराबर हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कट गया, हम रहेगा रहेगा V की जगह, V की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू थी आपकी NH अपॉन कितना 2 पाई MR, 2 पाई MR का स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर अपॉन R, देख लेते क्या आता है, M रहेगा रहेगा ये हो जाएगा N का भी स्क्वायर, H का भी स्क्वायर, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर, M का M स्क्वायर, R का R स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन R, एक M से एक M कट गया, R एक R से एक R कट गया, ये R जाएगा ऊपर, यह रह जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, किया आ जाएगा नीचे एम रहेगा और ई की पावर 2 नीचे आ जाएगी, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है, ये आपको बनना चाहिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिया गया था, पर्सनली आप इसको ध्यान से देखते चलिए, आपको बता दिया गया था कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती, देखिए ध्यान से आपको हिंट दे रहा हूँ और इसकी ट्रिक आपको बहुत करवाएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से ताबड़तोड़ क्वेश्चन करवाएगा इसके, ये ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, ये हीलियम है और ये न्यूट्रॉन है, तो आपको दे दिया गया है न्यूट्रॉन जो है उसका मास आपको दे दिया गया है, हीलियम का मास आपको दे दिया गया है और न्यूट्रॉन का मास आपको दे दिया गया है ना, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है आपको बताना है, तो आपको बता चुका हूँ मैं कि कुछ मत करो, इन दोनों के मास का सम कर लो, मास ऑफ क्या कर लो 1H2 प्लस 1H2, इन दोनों के मास में से माइनस कर देना, मास ऑफ 2H3, ये इसको माइनस कर देना, आपको बताया गया था ये चीज, इससे आपका डेलेम आ जाएगा, क्या जाएगा आपका डेलेम आ जाएगा आपका, और फिर क्या करना, एनर्जी E बराबर क्या होता है डेलेम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ये आपका U दिया है, क्या में दिया है, ये आपका U यूनिट में दिया है, देख लीजिए mu, ये आपका u में दिया है, u मतलब यूनिट में दिया है, टाइम में दिया आपका u में, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका आएगा आपका आंसर e बराबर जो भी आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, फिर डेल m की वैल्यू रख देना यहाँ पे, c स्क्वायर रह करेगा और ये आपका u में आएगा इंटू 1 amu, तो e बराबर हो जाएगा आपका जो भी आंसर आएगा वो रखिएगा c स्क्वायर, एक mu मतलब जो होता है वह होता है 931.5, कई लोग लगाते कई लोग नहीं लगाते, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर, तो ये c से ये वाला c स्क्वायर आपका कट जाएगा और जो भी आपका e आया होगा
उसपे 931 इंटू मेगा मतलब 10 की पावर कितना 6 का इंटू कर देना, आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और ई की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10 का माइनस 19, तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, इसका जो जारी जवाब है मैं आपको भिजवा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप इसे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो जारी किया गया है सैंपल पेपर में, आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा। ये वही है जो मैंने आपको समझाई होगी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया, इसने 931.5 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, और 931 दिया करिए क्योंकि मैक्सिमम जगह 931 से कम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपने बड़े नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो रहे, सेक्शन ई पांच नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो रहे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ थिन इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा आएगा, यहाँ पे लैम्डा छपा नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर होती है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको करवा चुका हूँ, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन है कंडक्टर वायर ऑफ इनफिनिट लेंथ, आपको जो कॉपी में करवाया गया वो आप करिएगा, आपको रिविजन भी करवाया गया था इसका। ओके, और बाकी अगर आप न्यू हो और आपने देखे नहीं हुई चीज़ तो आप ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन नंबर 31 का ये हिस्सा ये। ठीक है, गॉस थ्योरम से अगला इसी में जुड़ा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 2 इंटू 10 कर माइनस 8 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिस पे चार्ज कितना है, एक जगह प्लस 2 इंटू 10 कर माइनस 8 है और एक जगह कितना है माइनस 2 इंटू 10 कर माइनस 8 कूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय 2 mm, 2 mm दूर है एक दूसरे से, कितने दूर है एक दूसरे से 2 mm, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, माइनस क्यू एक दूसरे से 2 mm दूर है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग वायर, ये ठीक है एक लॉन्ग वायर के नियर रखे गए है, नियर वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी 4 इंटू 10 का माइनस 4 कूलम मीटर, वायर की चार्ज डेंसिटी 4 इंटू 10 का माइनस 4 कूलम है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, सच डेट नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर, नेगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू देखो 2 सेंटीमीटर दूर रखा है, कितना रखा है 2 सेंटीमीटर दूर रखा है, फ्रॉम द लाइन चार्ज कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल पे कितना फोर्स एक्ट होगा आपको ये चीज बताना है। तो मैं सीधी सीधी आपसे एक बात कह दूं कि देखिए इसकी चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है, कितनी दी गई इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर दी गई है आपको, देखिए 4 इंटू 10 की बार कितना माइनस 2 सॉरी 4 इंटू 10 का कितना माइनस 4 कूलम अपॉन मीटर है ना, ये दी है आपको, तो एक बार कूलम फोर्स जो लगेगा आपको पता होना चाहिए इसके वायर और इसके बीच में लगेगा, और एक बार कूलम फोर्स वायर और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगेगा, यहाँ का कूलम फोर्स F1 होगा और यहाँ का कूलम फोर्स F2 होगा, जो नेट कूलम फोर्स F होगा वो आपका हो जाएगा F2 माइनस F1, कितना हो जाएगा F2 माइनस F1, और F तो आप जानते ही 1/4πε0 होता है, Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R2, तो एक बार इनके बीच का गैप सिर्फ 2 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और एक बार इसके बीच का गैप जो लिया जाएगा इसके और इसके बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसके और इसके बीच का जो गैप होगा वो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 mm, इन दोनों का सम करके लिया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसकी हिंट आपको दे दी गई है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए समझा भी दे रहा हूँ आपको मैं, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने यही तो दिया है जो मैंने आपको बोला, एक बार देखिए डिस्टेंस अलग लिया गया, दूसरा डिस्टेंस अलग लिया गया, एक बार डिस्टेंस 0.02 लिया गया, 0.02 कहाँ लिया गया, 0.02 यहाँ लिया गया जहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर था कि 2/100 की आपने, और अगली बार उसमें हमने क्या कर दिया 0.2 को और ऐड कर दिया, देखिए अगले बार हमने 0.2 को क्या कर दिया और ऐड कर दिया इसमें, तो आपका इस टाइप से चल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखते चलिएगा आप सभी, इससे आपका F1 आया और इससे आपका क्या है F2, और हमने F2 माइनस F1 किया है, हालांकि मैंने इसमें F1 माइनस F2 इसने एक देखिए सीधी सीधी बात क्या है, हमने क्या काम किया उसने क्या काम किया, हमने जिसको F1 माना उसने उसको F2 माना, और हमने जिसको F2 माना उसने उसको क्या माना F1 माना है, बस इतना सा फर्क है, मैंने जो आपको करवाया उसके हिसाब से आपका F2 माइनस F1 हो जाएगा, उससे आपका क्या होगा F2 माइनस F1, इन्हें अलग माना है मैंने अलग माना, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको F2 माना और इसने क्या माना इसको F1 ये माना, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1 सब सही है, बाकी आप उतारेंगे 0.9 न्यूटन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 31 का नीचे का जो हिस्सा है वो भी देख लेते हैं, 31 का जो नीचे का हिस्सा है देख लीजिए,
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकालना पड़ेगा, 1/4 ε₀ Q1 Q2 R, ये वर्क डन करना पड़ेगा आपको, है ना, देखना पड़ेगा आपको, ये वाला वर्क डन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो 31 का और है ना, देखिएगा है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 31 का और है, ये आपको करवाया गया था क्लास में ड्यूरेशन, आप करिएगा इसको। ओके, और डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। ये तीन मेथड चलती है इसकी, एक डब्ल्यू इक्वल्स टू पी वन माइनस कॉस थीटा भी चलती है, एक डब्ल्यू इक्वल्स टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू भी चलती है ना, इसको जरा ध्यान से देखते चलिएगा आप सभी। इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा है, उस न्यूमेरिकल पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। देखिए इसके साथ न्यूमेरिकल जुड़ा है 3 points माइनस क्यू प्लस क्यू एन माइनस क्यू, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू एन माइनस क्यू करवायू मैंने आपको क्लास में, आर प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे रखा है ऑन स्ट्रेट लाइन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, ये आपको क्लास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक पहले बता चुका था कि जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आपको क्लास में भी हुआ था और रिविजन से भी हुआ था कि दो पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखे उनके बीच में प्लस क्यू चार्ज रखा सब इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसको भी मैं आर मान लेता हूँ, डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को भी आर मान लेता हूँ क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, तीनों के लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो है, तो आपको क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, तीन जगह पोटेंशियल एनर्जी का सम करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानती हो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आप जानते हो जो होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 ε₀ Q1 Q2 R होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके इसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लगानी पड़ेगी, एक बार बी और सी के बीच में लगानी पड़ेगी, प्लस एक बार ए और सी के बीच में, के क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन आर, बिल्कुल ठीक है, एक बार बी और सी के बीच में, या आपका जो यू ए बी के बीच में लगेगा प्लस यू बी सी के बीच में लगेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक बार ए सी के बीच में लगेगा बराबर जीरो। ठीक है, और यू तो आप जानती हो ये पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू कौन आ रहा है, ये आपको बता दिया गया वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी के बराबर बनेगा, बस रख दिया गया इसको उठा के, के क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू कौन आर, ये हो गया बी सी प्लस क्यू माइनस क्यू कौन आर, बिल्कुल आ गया, और ए सी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू कौन वन आर के तो टू आर, इस टाइप से इसको सॉल्व किया गया एलसीएम लेना के, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का रेशियो 1/4 आ गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 31 पूरे फुल ढंग से सॉल्व होता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारा, देखिए ये आपको होमवर्क दिया जाएगा, आ सिनुसोइडल ईएमएफ ऑफ अप्लाइड ऑफ सर्किट, एक इंडक्टर कॉइल है उसको जोड़ा गया है किससे, एसी सोर्स से, सो डेट करेंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय टू, करेंट वोल्टेज से पाई बाय टू लैग पीछे चल रहा है, करेंट वोल्टेज से पाई बाय टू लैग पीछे चल रहा है, इसका बी नंबर पे इसको निकाल के दिखाना है। एसी सोर्स का ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और साथ में इसका फेजर डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, और सी नंबर में है इफ रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज सीरीज टू इंडक्टर व्हाट चेंज ऑक्योर इन करंट, करंट में क्या चेंज होगा, करंट में क्या चेंज होगा आपको चीज बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला, इसके और वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में गिना जाता है, ट्रांसफार्मर ये आपको करवा दिया गया था, ये तो चार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में गिने जाते हैं सब। ठीक है, ये पांच नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल इजी ही रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, इंडक्टर कॉइल में अपने को देखना है कि इंडक्टर कॉइल में जब करंट बहता है तो उसमें करंट लेग्स करता है पाई बाय टू रेडियन से, किससे, वोल्टेज से, ये मैंने आपको करवा चुका हूँ डेरिवेशन, ये रिविजन क्लास में भी हुआ है, और साथ में इसका फेजर डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 32 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दिया गया था क्लास में, फिर भी आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन ये है ना, करंट आई कल आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मैंने आपको फेराडे के सेकंड लॉ से करवाया था, यहाँ पे थोड़ा सब ऐसे ही है पर थोड़ा अलग टाइप में है, आप मेरी मेथड से करिए, और अगर आप पहली बार देख रहे क्वेश्चन को तो आप इसे देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम बनाना है ना, इसका फेजर डायग्राम देखिए आप, इसका जो फेजर डायग्राम रहेगा वो स्टेप से रहेगा, स्टेप से रहेगा आपका 90 डिग्री का रहेगा, ये आई रहेगा, करंट पीछे जा रहा है इसलिए नेगेटिव एक्सिस को दिखाना करंट पे, ये नेगेटिव वाला है, और ये वोल्टेज का रहेगा आपका,
वोल्टेज और किधर रही है, और ये रहेगा आपका ओमेगा टी सी। ठीक है, ऐसे करिएगा। और अगर आप चाहे तो वैसा वाला भी कर सकते हैं ना, अभी फेजर डायग्राम में ये बनाइए करंट को और वोल्टेज को पीछे रख लीजिए, वोल्टेज को पीछे रख लीजिए, पाई बाय टू के फेज से वोल्टेज पीछे जा रहा है। ठीक है, इससे भी आप बना सकते हैं। ओके, कर्व बना दिया मैंने, वोल्टेज रहेगा और करंट पीछे रहेगा, ये करंट माइनस में चल रहा है ना, माइनस में। ठीक है, माइनस पाई बाय टू में चल रहा है। ठीक है, देखिएगा आप इसको। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है सी नंबर का, रेजिस्टेंस इज एडेड विद सीरीज विद इंडक्टर, तो करंट पे क्या असर होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट फेजर डायग्राम का है, और थर्ड पार्ट देखिए करंट पे क्या असर होगा। तो आई इक्वल्स, आप जानते हैं आई इक्वल्स वी अपॉन जेड होता है। जब आप इंडक्टर के साथ रजिस्टर कुछ डालोगे तो ये एल आर सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एल आर सर्किट, है ना, एल आर सर्किट बन जाएगा एसी सोर्स के कारण। और एल आर सर्किट के लिए जेड क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, आई इनवर्स टू जेड, जेड बढ़ेगा तो आई क्या होगा, करंट कम होगा, तो करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज, करंट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका 32 का फर्स्ट वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। 32 का सेकंड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल को समझाइए, करवा दिया गया था आपको। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके फिगर बनाइएगा। एक्सप्लेन एनी टू एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में किन्हीं दो प्रकार के एनर्जी लॉस को समझाइए। दो की बात कर रहे हैं आप, मैंने आपको चार पांच प्रकार के एनर्जी लॉस समझा दिया, हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, फ्लक्स लॉस, कॉपर लॉस, है ना, ऐसे बहुत सारे लॉस है, ये आपको करवा दिया गया था, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप करिएगा। रही बात इसके न्यूमेरिकल्स की, तो इसके न्यूमेरिकल देख लीजिए आप, इसमें एक न्यूमेरिकल है, चलिए न्यूमेरिकल को अगले पेज पे ले चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, है ना, प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टन्स, तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टन्स है वो है आपके 100। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कितना है, 100 है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। एंड इनपुट पावर, इनपुट पावर जो होगा पी इनपुट, इनपुट मतलब प्राइमरी का कितना है, 1100 वॉट है, 1100 वॉट। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पता करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पता चल जाएगा, आपको पता होगा एनपी अपॉन एनएस बराबर होता है 1/R, तो एनपी कितना होगा आपका, एनपी 100, एनएस पता करना है 1/R मतलब 100, एनएस बन जाए एनएस बराबर हो जाएगा 10,000 टर्न्स हो जाएंगे, सेकेंडरी में 10,000 टर्न्स हो गए। और करेंट इन प्राइमरी, प्राइमरी का करेंट आपको पता करना है, तो प्राइमरी का करेंट हम पता कर लेते हैं। देखिए पावर बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, प्राइमरी 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 पावर को इनपुट पावर भी कहते हैं, ये है 1100 वी आई, वीपी कितना है, वीपी वीपी है 220, और आईपी प्राइमरी का करंट पता करना है, तो इससे कट जाएगा 11 × 22 तो ये आईपी इक्वल्स हो जाएगा आपका 2×5 10, 5 एम्पियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का जो पहला वाला पार्ट है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट एंड शो फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस, तो आपको सबसे पहले डिफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट बताना है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसकी एक लिंक मिली है, इसको मैंने डिफ्रेक्शन को मैंने उसमें किया हूँ सॉल्व पूरा डेरिवेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रही है डिफ्रेक्शन वाली, आप वहां से करिएगा। दूसरा है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एंगल, आपको इंटेंसिटी और एंगल के बीच में वेरिएशन का ग्राफ खींचना है। ठीक है, इंटेंसिटी और एंगल के बीच में वेरिएशन का ग्राफ खींचना है, ये मैंने आपको एक पेपर में और करवा चुका हूँ, सैंपल पेपर नंबर 3 या 4 में हुआ है क्वेश्चन, फिर भी एक बार वो देख लीजिए, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा कर्व। तो देखिए कर्व जो रहेगा आपका बी वाला क्वेश्चन, 33 का बी वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप से रहेगा, थोड़ा लाइन टच होगी, ऐसा रहेगा, आपको देखना चाहिए ऊपर रहती है आपकी इंटेंसिटी और नीचे रहता है आपका इंटेंसिटी वर्सेस थीटा कर्व, है ना, जीरो
ये वाला जो कट रहेगा लेमडा अपॉन ए रहेगा, ये 2 लेमडा अपॉन ए रहेगा, 2 लेमडा अपॉन ए, और ये रहेगा आपका ये थोड़ा नीचे से आएगा 3 लेमडा अपॉन ए, और ये माइनस में जाएगा माइनस लेमडा अपॉन ए माइनस ये वाला पॉइंट रहेगा 2 लेमडा अपॉन ए, और ये होगा माइनस 3 लेमडा अपॉन ए। इस टाइप से करवा पे इंटेंसिटी वजह थीटा करवे, ठीक है ध्यान दीजिएगा इसको। इसका थर्ड वाला सी वाला हिस्सा क्या है, इसका सी वाला हिस्सा है वाई सेकेंडरी मैक्सिमा आर लेस इंटेंसिटी, सेकेंडरी मैक्सिमा जो रहती है उसकी इंटेंसिटी लेस क्यों रहती है सेंट्रल, जबकि सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है क्यों। तो डिफ्रेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि सेंट्रल वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है ना, और जब मैक्सिमा जब आगे बढ़ता है तो उसकी जो मैक्सिमा रहती है प्राइमरी मैक्सिमा सेकेंडरी प्राइमरी फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा वहां पे पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ओबे करती है, किसको ओबे करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ओबे करने के कारण उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल से कम हो जाती है। आपको जवाब लिखना पड़ेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वो ज्यादा इंटेंसिटी का रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। देखिएगा आप इसको ध्यान से, 33 का और वाला देखिए, 33 का और में विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब केसेस लगाने ही है आपको। अब यहाँ पे उसने एक चीज गायब कर दिया, अपने को समझ में नहीं आ रहा कि मैग्नीफाइंग पावर उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बोला कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बोला। अब उसके लिए हम नीचे के क्वेश्चन पे देखते हैं, नीचे के क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये आपको अभी रिविजन भी करवाया गया था और आपको ड्यूरेशन भी इसका करवाया गया था, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका न्यूमेरिकल सेकंड वाला पोर्शन मैं करवा देता हूँ आपको, बाकी का ऊपर का ड्यूरेशन आपको मैंने करवा दिया। हर बुकों में ड्यूरेशन आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हर बुकों में हर किसी ने इसके अलग अलग ट्रेंगल से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी से, आरडी से, एसएलआर से, मॉडर्न एबीसी से, एससी वर्मा से, मैकमिलन से, आपको जिस बुक से करना है उसको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे भी जो आंसर शीट रहता है उसमें लिखा रहता है कि टीचर अपने सेल्फ नॉलेज के बेस पे चेक करे। अब बी वाला हम देख रहे हैं, तो बी वाला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, जरा उस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा सभी। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आता है। देखिए टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप इज 20, जो टोटल मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 20 है। ये क्वेश्चन नंबर किसका है, 33 का बी है, सॉरी, और 33 के और का बी। चलिए टोटल मैग्निफिकेशन जो है आपका 20 से 20 लिख लिया मैंने, आगे बढ़ता हूँ देखता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। वाइल दैट प्रोड्यूस आईपीस एलोन 5, जो आईपीस के एलोन में कितना है वो 5 है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो आईपीस के लिए मैग्नीफाइंग कितना है 5 6, तो मैग्नीफाइंग ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस जो होगा आपका वो उसके लिए 5 6, ठीक है आगे बढ़ते हैं। When the microscope is focused on certain object, distance between objective and eyepiece is 14 cm. Objective और eyepiece के बीच का distance 14 cm है, ठीक है? ये चीज़ अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम। अगला, find the focal length of objective and eyepiece. आपको focal length of objective और eyepiece पता करना है। If distance of distant vision is 20 cm. Distant vision मतलब जो आपका image है, उसका जो position है वो कितना है 20 cm. कितना है 20 cm? तो 20 आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 20 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीफाइंग पावर m होता है वो होता है m अपॉन me, ठीक है। तो m आपका टोटल, m टोटल होता है, कितना m टोटल, तो m बराबर m टोटल, m टोटल 20 हो रही होगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो m बराबर आपका निकल गया 4, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक ही लेंस की बात कर रहे हैं। तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप आपको कल ही क्लास में करवाया गया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो एम होता है उसके लिए नियर पॉइंट 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है, डी अपॉन एफ, तो एम बराबर 1 रहेगा, प्लस डी की जगह 20 रखना पड़ेगा और ये आपका हो जाएगा एफ ई। एम की जगह हमने भी देखे, एम ई जो होगा एम ई आई पीस के लिए, आई पीस के लिए जो एम ई होगा आई पीस का वो कितना है 4 है आपका, ओ सॉरी सॉरी आई पीस का नहीं है, आई पीस का 5 है, गड़बड़ लिख दिया मैंने, आईपीस का जो एमई होगा आईपीस का वो
पांच है, तो पांच बराबर वन प्लस बीस अपॉन एफ ई रहेगा आपका, यहाँ से आपका एफ ई निकलेगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस देखते कितना होता है, पांच में से एक जाएगा चार बराबर बीस अपॉन एफ ई, चार कम चार, चार पंच बीस, तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, एफ ई बराबर हो जाएगा पांच सेंटीमीटर, तो एफ ई बराबर हो गया आपका पांच सेंटीमीटर, इसको आपको ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है लेंस का भी, वो एम बराबर वी अपॉन यू होता है, वी अपॉन क्या होता है यू, तो ये आईपीस के लिए, आईपीस के लिए, आईपीस के लिए, तो आईपीस के लिए एम, एम ही आपका पांच होगा, दिख रहा है आपको, एम ही पांच है, वी, वी कितना है आपका, वी है माइनस बीस, ये वी माइनस बीस है, और यूवी जो हमको पता करना है, देख लेते हैं यूवी कितना होता है, पांच कम पांच, पच्चो बीस माइनस चार, तो यूवी बन जाएगा, यूवी, यूवी बराबर हो जाएगा माइनस चार सेंटीमीटर, ठीक है आपका यूवी आ गया माइनस चार सेंटीमीटर, देख लेते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस उसने दिया है, उसने दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो डिस्टेंस है उसने दिया है आपको, कितना डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस होगा यूई और आईपीस का जो होगा वीओ, इनका बीच का डिस्टेंस मैंने लेंथ ऑफ ट्यूब पढ़ा है था आपको, लेंथ ऑफ ट्यूब उसके हिसाब से 14 है ये, तो यूई जो है आपका, यूई वो आपका 4 आया, वीओ पता करना है बराबर, ये हो जाएगा 14 डिस्टेंस है, तो वीओ बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तो अपने को आप क्या पता करना है, नाउ एमओ फिर से वही फॉर्मूला का, एमओ बराबर वन प्लस डी अपॉन एफ, तो एमओ बराबर हो जाएगा वन माइनस, अब डी की जगह मुझे ऑब्जेक्टिव की इमेज रखना पड़ेगा क्योंकि वी को डी से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका एफ ओ हो जाएगा, तो ये आपका एमओ जो है, आपका एमओ जरा ध्यान दीजिए, एमओ होगा वन, एमओ है आपका माइनस चार, एमओ कितना है आपका माइनस चार, एमओ ऑब्जेक्टिव का ही एमओ, एमओ है आपका, मैंने इसको एम ही लिख दिया था, एमओ है आपका, एमओ माइनस चार होगा बराबर होगा वन माइनस दस, वीओ दस से दस अपॉन कितना एफ ओ ऑब्जेक्टिव फोकल, तो माइनस चार और माइनस चार माइनस पांच हो जाएगा, माइनस पांच बराबर माइनस दस अपॉन एफ ओ, तो पांच कम पांच, पांच दून दस, दो माइनस माइनस कट गया, एफ ओ बराबर आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आपको देखना चाहिए यहाँ पे आपका पूरा फुल पेपर कंप्लीट होता है 1 घंटे 2 मिनट में, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका पूरा फुल पेपर सैंपल पेपर नंबर 7 सॉल्व होता है।